जय सीएलसी, कैसे हो? तो नीट 2021 को फुटबॉल करें, एक और नया तोहफा, एक नया यज्ञ, फिजिक्स इको 12 टेस्ट फिजिक्स के। याद करो, हमने बायो केम डीटीएस के थ्रू बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ऑलमोस्ट कवर कर लिया। अब फिजिक्स का एक हवा है, इसको खत्म करते हैं। 14 जून से 26 जून तक 12 टेस्ट के माध्यम से पूरी फिजिक्स कवर करेंगे। इस टेस्ट को देने के लिए क्या क्या करें, मेरा सुझाव है, मेरा विचार है, मेरा अनुभव है और अपनों को मेरा आदेश है। सबसे पहले इस टॉपिक के आप देखें सीएलसी गुरु नीति, उसके बाद इसी टॉपिक के प्रीवियस पेपर के देखें वीडियो सॉल्यूशन, उसके बाद आप टेस्ट दें। और अब आप जो टेस्ट का सॉल्यूशन देख रहे हो तो आपको लग जाएगा कि नया कुछ नहीं आया, पक्का है। तो दोस्तों 2021 में रैंक इंप्रूव करनी है, सिलेक्शन को श्योर करना है, तो सीएलसी की गुरु नीति, सीएलसी के प्रीवियस पेपर का वीडियो सॉल्यूशन, आपका फिजिक्स इको, ये खत्म हो जाएगा दोस्तों 26 जून 2021 को। आपको उसके बाद वो क्या होगा, जिंदा आपका बोस है ना, 28 जून को आपको एक अगली फिर मिल जाएगी टेस्ट सीरीज। विश्वास मेरे पे रखे, विश्वास मेरे पे आपका है। चलो तो चास्ता सर मेरे साथ है, मेरे चास्ता सर बिल्कुल एक यंग डायनेमिक वो टीम के मेंबर है मेरे, ये जो बिल्कुल जाल लगा रखे जो लोगों ने पिछले लॉकडाउन में, जब से लॉकडाउन लगा है तब से लोग बहुत ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। ऑफलाइन काम करते ही करते थे, अब ज्यादा ऊर्जा से काम कर रहे, तो इसका सोल्यूशन हमारे प्रोसेसर कराएंगे। ऐसे 12 टॉपिक है, मेरे 12 बंदे आपके सामने आएंगे और सारे एक शानदार वीडियो सॉल्यूशन से। फिर से कहता हूं, रे सुन ले, गुरु नीति, प्रीवियस पेपर, फिर टेस्ट। क्रिकेट के मैच में शुरू के 10 ओवर में फील्डिंग ओवर होती है, लास्ट के 10 ओवर में फील्डिंग ओवर होती है, इस बात को मानते हो ना? जब वनडे होता है वैसे पढ़ाई में होता है, जब सेशन चलता है तो शुरू के 5-6 महीने हम थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन निकालते हैं, तो सेशन एंड होता है, वाइजर लैंड होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन के बाद थ्योरी पे जाते हैं। क्वेश्चन निकालो, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसकी थ्योरी ढूंढो, ऐसा जो करते हैं वो टॉप करते हैं भाई। बाकी सभी के पास दिन में घंटे 24 होते हैं, यही कारण है दोस्तों एक आदमी 12वीं के साथ इंडिया टॉप कर जाता है और एक भोले बच्चों कई बार 2-3 साल लग जाते हैं, वो शायद फील्डिंग चेंज नहीं करना जानता। मैच जीतना है तो फील्डिंग का चेंज करना बहुत जरूरी है। थैंक यू जय सीएलसी, आपके प्रशासन का आपसे फिर वादा है, ऐसी अच्छी चीजें आपके साथ और आती जाएंगी और मिलती जाएंगी। थैंक यू, नमस्कार, जय सीएलसी। I'm Neeraj Chasta, Team Physics CLC Seeker, welcomes you all in the first paper solution of Physics Eco Test Series. तो बच्चों, आपने बॉस की बातें सुनी और मुझे लगता है कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आप इस पूरे टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चंस या सारे सॉल्यूशंस को अच्छे से देखें और आप पाएंगे कि आपको अपना जो नॉलेज है वो एनहांस करने का बहुत अच्छा मौका मिला है। ठीक, तो जो पेपर हमारा हुआ है आज, उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के और। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 1। हमें कहा जा रहा है, व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सेस आर ट्रांसलेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन अ प्लेन चेंजेस, जब निर्देशांक अक्ष बदले जाते हैं तो समतल में सदिश का परिमाण परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए बच्चों क्या है कि अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं निर्देशांक अक्षों की और एक स्थिति सदिश की अपन अगर बात करते हैं, तो ये हमारे पास है लेस से एक्स एक्सिस, ये अपने पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास है लेस से जेड एक्सिस है और ये एक स्थिति सदिश है। अगर इस स्थिति सदिश का परिमाण जैसे 5 है तो आप इन अक्षों को किधर भी ट्रांसलेट कर दो, इस सदिश की लंबाई, या लंबाई क्या होता है, सदिश का परिमाण होता है, तो वो लंबाई तो परिवर्तित होने से रही, लंबाई तो इन इस सदिश का जो परिमाण है या इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इन एक्सिस पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, वो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अपना जो पहला स्टेटमेंट है, व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन प्लेन चेंजेस, तो मैग्नीट्यूड तो कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट अपना हो चुका है बच्चों गलत। नेक्स्ट, व्हेन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल, अब सुनते हैं बात को, देखो क्या बोल रहा है, जब निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड, जब इनको थोड़ा सा अपन क्या कर देते हैं, घूर्णन करवा देते हैं या इनको थोड़ा सा अपन घुमा देते हैं, द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर चेंजेस, ओके ठीक है, एंड द मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, ये तो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है क्योंकि ये लेंथ तो हमेशा क्या रहनी है, कॉन्स्टेंट रहनी है। अब बात करते हैं अपन वेक्टर के कंपोनेंट की, तो वेक्टर के कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं तो लेस से ये आपके पास लेस से एंगल अपना क्या है, θ1 है, तो इसका एक्स कंपोनेंट अगर मैं बोलूं तो आप क्या बोलोगे, ए एक्स विल बी इक्वल टू, ये 5 बोल दें या इसको अपन लेस से ए बोल देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स विल बी इक्वल टू ए कॉस थीटा 1। ठीक है,
आपने एक्सिस को रोटेट कर दिया, मींस लेट्स से मैंने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दिया, तो ये एंगल चेंज हो जाएगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी और उससे अपना कंपोनेंट चेंज हो जाएगा. मींस व्हेन द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेटेड थ्रू सम एंगल, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर चेंजेस, जो सदिश के घटक है वो परिवर्तित हो जाएंगे और उसका जो परिमाण रहेगा, परिमाण तो हम जान रहे हैं कि वो समान ही रहेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट अपना क्या हो चुका है, करेक्ट हो चुका है. ठीक है, तो वैसे तो अपना आंसर आ गया है कि निम्न में से सही कथन कौन सा है या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो हमारा अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड. पर फिर भी अपन एक बार थर्ड और फोर्थ ऑप्शन पर चलते हैं और देखते हैं क्या बोल रहे हैं. सम ऑफ ए एंड बी इज आर, ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम, लेट्स से ये रहा अपना क्या ए वेक्टर, ये रहा अपने पास क्या बी वेक्टर, ठीक है, और इनका जो रिजल्टेंट रहेगा, रिजल्टेंट कैसे रहेगा, पैरेललोग्राम लॉ अगर अपन अप्लाई करते हैं तो यहां पर ये रहेगा अपना रिजल्टेंट. ठीक है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए अलोन इज इंक्रीज्ड, ए का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करें तो एंगल बिटवीन बी एंड आर डिक्रीजेस. अगर हम लोग यहां पर क्या करते हैं, लेट्स से मैं इस ए का मैग्नीट्यूड यहां पर बढ़ाता हूं, ठीक है, तो आपके पास अब जो पैरेललोग्राम बनेगा वो पैरेललोग्राम ऐसा बनेगा, ठीक है, और अगर अपन यहां पर खींचते हैं फिर से लाइन, तो आप देखते हो कि बी और आर के बीच में बनने वाला एंगल पहले क्या बन रहा था, ये बन रहा था, अब जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, तो बी और आर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोल रखा है कि एंगल डिक्रीज होगा. जब ए का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो बी और आर के बीच में बनने वाला एंगल जो रहेगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. नेक्स्ट, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3i एंड 4j इज 12. क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या हम लोग सदिश गुणनफल के लिए जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग को दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन से जो चीज मिलेगी वो होगा एक रिजल्टेंट वेक्टर. और यहां पर क्या लिखा हुआ है, केवल 12 लिखा हुआ है, ये तो एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर आई कैप जे कैप के कैप नहीं आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी अपना क्या हो चुका है, गलत हो चुका है. तो हमारे पास बच्चों देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर बन जाता है सही कथन. ये सही और गलत वाले मामलों में थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना. तो अपना जो सही कथन है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर रहेगा 2. ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर, देखें क्या बोल रहा है. ए वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक सदिश एक्स वाई और जेड एक्सिस से समान कोण बना रहा है. ठीक है, इट्स कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी. ठीक है, तो अपने पास एक ऐसा वेक्टर है जो एक्स वाई जेड एक्सिस से तीनों से सेम एंगल क्रिएट कर रहा है. हम लोग ये जानते हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या रहेंगे. अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो वो हम लोग कैसे बोलते हैं, ए कॉस अल्फा, जहां पर अल्फा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल. अगर अपन ए वाई की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉस बीटा, और ये रहेगा आपका वाई एक्सिस से बनने वाला एंगल. और ए जेड के लिए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए कॉस गामा, और ये हो जाएगा आपका गामा जो है वो जेड एक्सिस से बनने वाला एंगल है. आपको ये बोला है कि ये एंगल तीनों इक्वल हैं, जब ये तीनों एंगल इक्वल हैं तो इनके कॉस इक्वल हो जाएंगे, इनके कॉस और ए, तो आपके पास रिजल्टेंट इस स्टेटमेंट का मतलब क्या बन जाएगा कि ए एक्स ए वाई और ए जेड जो है वो तीनों क्या है, हमारे बराबर है. तो आपको एक चीज पता चलती है यहां से कि ए एक्स विल बी इक्वल्स टू ए वाई विल बी इक्वल्स टू ए जेड. ठीक है, अब अपन जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता है हमारे पास ए वाई स्क्वायर प्लस क्या रहता है ए जेड स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू ए. ये हम लोग जानते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये तीनों जब बराबर हो चुके हैं तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं 3 ax² ए एक्स ए वाई ए जेड कुछ भी लिख सकते हैं, 3 ax² इस अंडर रूट को हटाता हूं तो ये इधर अपना कितना हो जाएगा ए स्क्वायर. और यहां पर अगर मैं ए एक्स के बारे में बात करूंगा तो ए एक्स क्या हो जाएगा, आपको इस 3 को नीचे ट्रांसफर करेंगे एंड ये बनेगा आपके पास ए अपॉन अंडर रूट 3. ठीक है, तो देखते हैं अपना आंसर क्या बन रहा है. सेकेंड क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए अपॉन अंडर रूट 3, आंसर नंबर 1. डन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है और क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. The vector that must be added to the vector this and this. ठीक है, एक सदिश जो इस सदिश और इस सदिश में जोड़ा जाए तो उनका परिणामी जो है वो क्या हो जाए, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. तो कभी भी आप ध्यान रखिए क्वेश्चन में जो जो बोल रखा है वैसा वैसा करते जाओ. क्या बोल रखा है, ए वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड, तो लेस से वो वेक्टर अपना क्या है, आर है. आर को किस में एड करना है, इसमें एड करना है और इसमें एड करना है. ठीक है, तो R को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो पहला क्या हो जाएगा आपका i कैप माइनस 3 j कैप प्लस कितना हो जाएगा 2 k कैप.
ओके, और नेक्स्ट क्या है अपने पास, 3i कैप प्लस 6 अपना हो जाएगा j कैप माइनस 7 k कैप, ओके ये ऐड कर दिया, वेक्टर दैट मस्ट बी एडेड इन दिस टू, ठीक है। और उसके बाद अपने को बोला है सो दैट रिजल्टेंट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस, इनका जो रिजल्टेंट या इनका जो परिणामी बनना है वो आपका क्या बनना है, y एक्सिस की दिशा में इकाई सदिश, y एक्सिस की दिशा में यूनिट वेक्टर या इकाई सदिश क्या होता है अपने पास, ये होता है अपना j कैप, ठीक है। तो बस सॉल्व कर देते हैं अब इसको, ये अपना हो जाएगा r वेक्टर, इधर बोलो 3 और 1 ये बन जाएगा मेरे पास 4i कैप, इधर बन जाएगा अपने पास कितना -3 + 6 तो ये बन जाएगा प्लस का 3j कैप, ठीक है। उसके बाद प्लस का अपने पास कितना है 2 है और माइनस का कितना अपने पास 7 है तो ये बन जाएगा 5k कैप, -5 5k कैप, ठीक है। और इधर अपने पास क्या बच रहा है, दिस इज j कैप, सॉल्व करते हैं इसको, आगे चलते हैं, ये अपने पास हो जाएगा r वेक्टर, इन सबको इधर ट्रांसफर करेंगे, अब इनको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 4i जब इधर आएगा, इधर i नहीं है तो 4i जब इधर शिफ्ट होगा तो आपको सिंपल क्या मिलेगा -4i, ये 3j जो है वो इधर आएगा, 3j जब इधर आएगा तो -3j हो जाएगा और ये अपने पास प्लस में j एक पहले से है तो आपके पास क्या हो जाएगा -2j और ये जब इधर आएगा तो ये अपने पास कितना हो जाएगा +5k कैप, ठीक है। तो अपन देखते हैं अपने ऑप्शंस में क्या है, रिजल्टेंट अपना क्या होना चाहिए या रिजल्टेंट या वो वेक्टर जो होना चाहिए जिसको आपको ऐड करना है इन दोनों वेक्टर्स में, अपना सॉल्यूशन या अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, -4i -2j + 5k, -4i -2j + 5k, डन सिंपल। चलते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है। ए हॉल हैज डायमेंशन इतना इतना एंड इतना, ठीक है। ए फ्लाई स्टार्टिंग एट वन कॉर्नर एंड्स अप एट अ डायगोनली अपोजिट कॉर्नर, ठीक है। जैसे ये कमरा है हमारे पास तो डायगोनली अपोजिट का मतलब ये है कि इस वॉल पर ऐसे नहीं, इसके इस कॉर्नर से हमारे पास उधर जो सामने वाला कॉर्नर है, आप जिस भी रूम में बैठे हैं उसमें इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, तो ठीक है हम लोग देख सकते हैं, एक तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हो, ये एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट है और ये अपना जेड एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग कहना मतलब एक्स एक्सिस पर चले, फिर अपन वाई एक्सिस पर चले और फिर अपन जेड एक्सिस पर चले, ठीक है। तो अपन डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर पहुंच गए, ठीक है। तो अगर हम लोग को यहाँ पर रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो हम लोग देख सकते हैं रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट अपना जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पर चले 10 तो ये हो जाएगा 10i कैप प्लस वाई एक्सिस पर चले अपन 12 तो ये हो जाएगा 12j कैप प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 14k कैप, ठीक है। और अगर आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो आर का अपन क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर देते हैं और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 10² + 12² प्लस अपने पास हो जाएगा 14², ठीक है। हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 21 मीटर, 20.95 के आसपास आएगा, बट इसमें आपके पास जो अप्रोक्सीमेटली हम लोग को पूछा है तो 20.95 के अप्रोक्सीमेट में हम लोग क्या टिक करेंगे यहाँ पर 21 मीटर, ठीक है। तो ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखें 5 equal forces of 10 newton each are applied at a one point. 10 न्यूटन के एक समान बल एक बिंदु पर आरोपित है, ठीक है। If the angle between them are equal, अगर सबके बीच में एंगल सेम है, जो सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं उनके बीच में एंगल क्या है सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स अपना कितना होगा, ठीक है। एक बात आप हमेशा गांठ बांध लो कि अगर आपके पास इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स इक्वल एंगल पर किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा होगा जीरो, ठीक है। यहां पर अगर 5 5 बोले हैं तो एक्चुअली हमारे पास ये 5 फोर्सेज जो एक्ट कर रहे हैं वो इस तरह से हैं कि इनके बीच में जो एंगल है वो 72 डिग्री का एंगल है। आप देखें 360 का डिवाइड करेंगे अपन 5 में तो आपके पास हर वेक्टर के बीच में क्या बनेगा 72 डिग्री का एंगल बनेगा, 72, ठीक है। उसी तरह से ये रहेगा हमारे पास 72, ठीक है, और इसी तरह से ये हमारे पास रहेगा, ये वाला एंगल भी रहेगा 72 डिग्री। इनका सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो पर जो रिजल्टेंट एफ नेट रहेगा हमारे पास वो हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर सेम एंगल पर अगर आपके पास किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। Then, good. बढ़ते हम लोग आगे। A particle moves so that its position vector is given by this vector. एक कण का स्थिति सदिश इस प्रकार से दिया जाता है, where omega is a constant. ठीक है, okay.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है फिर से, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू आर वी, और ए वेक्टर जो रहेंगे वो आपके दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर बोला है, तो अपने को पहले देखना पड़ेगा कि वेलोसिटी वेक्टर क्या बन रहा है, वी वेक्टर क्या रहता है हमारे पास, ये होगा डी आर वेक्टर अपन अपना क्या रहेगा डीटी। चलो साहब सॉल्व करते हैं, आपको आर वेक्टर ये दिया हुआ है, तो वेक्टर दिया हुआ है तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, अपने को क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन इसका भी होगा इसका भी होगा, जो वेक्टर दे रखे हैं साथ में तो वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस साइन ये बनेगा अपना ओमेगा टी, और इंटरनल ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एक और ओमेगा यहां पर क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बनता है एक्स कैप है तो एक्स कैप, ठीक है, प्लस उसी तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास साइन ओमेगा टी का, सॉरी साइन ओमेगा टी है हमारे पास, तो उसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है, तो यहां पर जो टर्म बननी है हमारे पास वो बनेगी, साइन का डिफरेंशिएशन हमारे पास रहेगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा, और इसका जो वेक्टर है वो वाई कैप इसके साथ में आएगा। तो डिफरेंशिएशन आपको इन टर्म्स का करना है, ये आपके डायरेक्शनल यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन हम लोग को नहीं करना है क्योंकि वो कंपोनेंट वैसा ही रहेगा। तो ये अपने पास क्या हो चुका है, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर हो गया है। उसके आगे अगर अपन एक्सेलरेशन वेक्टर देखें तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, डीवी वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा अपने पास डीटी, और ये बन जाएगा इसका एक बार और डिफरेंशिएशन अपन करें तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करके देखें तो वापस से साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और एक ओमेगा यहां पर बाहर निकलेगा, ठीक है। तो मैं इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास क्या, कॉस, ये बनेगा ओमेगा टी, साइन का डिफरेंशिएशन किया कॉस, ठीक है, और ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या उसके साथ में आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स कैप, प्लस फिर से कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को मिलेगा माइनस साइन, और ओमेगा टी की वजह से एक ओमेगा हमारे पास बाहर और आएगा, तो अपने पास जो टर्म बननी है ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर एक्चुअली बनना है, ये टर्म मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर माइनस बनेगा, ठीक है, अपन डिजिटल हैं तो क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं, चलो हमारे पास साइन ये बन जाएगा ओमेगा टी। अब आप देखें इन दोनों टर्म्स को देखें, एक आप हमेशा यहां पर ध्यान दें कि ये डिफरेंशिएशन हुआ है, इसके बाद वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आया है, v डॉट r करके देखें, v डॉट r का मतलब आपके पास r है और ये अपने पास क्या है, v है, इन दोनों का अपन क्या करके देखें, डॉट प्रोडक्ट करके देखें, डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, किसका, माइनस का, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर ये वाई कैप वाला है, इसमें क्या बनेगा, ओमेगा कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, पर ये किसका बनेगा, प्लस का बनेगा, ठीक है। तो इधर तो बन रहा है आपके पास ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी माइनस का, और इधर बनेगा आपके पास ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी प्लस का। कहने का मतलब अगर आप वी डॉट आर कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आपके पास आएगी जीरो, और दो दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जीरो है तो ये दोनों वेक्टर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। तो पहला कंक्लूजन तो ये है कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो एक कंक्लूजन यहां पर देखते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर बोला है तो वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है, पहला तो ठीक हो गया, पर अगर आप यहां पर एक्सेलरेशन को देखें तो एक्सेलरेशन की टर्म अगर अपन देखें तो ये ना मेरे पास एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, ये मेरे पास ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर को क्या कर लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। यहां से अगर मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो देखो क्या बन रहा है, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, ठीक है, और यहां पर प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। कहने का मतलब आप अगर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन लिखें तो ये बन जाएगा आपके पास, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया और आपके पास ये बनेगा, क्योंकि यहां पर जो ब्रैकेट बनेगा उसमें आपके पास आर ही बन रहा है, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ठीक है, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप। तो हमारे पास ये बन रहा है एक्सेलरेशन वेक्टर। तो ये आर वेक्टर के क्या है, एंटी पैरेलल है। तो अपने पास अगर कंक्लूजन लिखना है इस क्वेश्चन के लिए तो आपके पास क्या है कि v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अपने पास क्या हो गया r वेक्टर, एक तो ये हो गया और दूसरा ये रहेगा कि आपका a वेक्टर जो है वो एंटी पैरेलल है पोजीशन वेक्टर के, ठीक है। तो अब अपन ऑप्शन सारे एक एक करके पढ़ते हैं। ये परपेंडिकुलर वाली बात तो
खत्म हो गई क्योंकि आपके पास वेलोसिटी तो परपेंडिकुलर है पर एक्सेलरेशन एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री, जिधर आर है उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल टू आर, पैरेलल नहीं है, ये भी अपन ने समझ लिया है। वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ठीक है, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये तो ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टू आर्स ओरिजिन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टू आर्स ओरिजिन। अगर अपन बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की, तो पोजीशन वेक्टर कैसे होता है, ऐसे होता है, और अपना एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल टू आर है। एंटी पैरेलल टू आर का मतलब ये हो गया, ये यहां से एंटी पैरेलल बनेगा, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज डायरेक्टेड टू आर्स ओरिजिन, और ये अपना ऑप्शन हो जाता है करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का या इस क्वेश्चन का आंसर जो अपना बनना है वो अपने पास क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट ये वेलोसिटी वेक्टर आर वेक्टर के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या रहेगा, आर वेक्टर के एंटी पैरेलल रहेगा। मैं आपको थोड़ी सी और इसमें इंफॉर्मेशन अगर देऊं तो आप यहां पर देखें, ये जो आर है हमारे पास, ये सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन का मतलब सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कैसे घूमता है। लेट्स से ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और एक पार्टिकल यहां पर लेट्स से सर्कुलर मोशन में रोटेट हो रहा है, तो पार्टिकल की पोजीशन जो है वो अपन इस इक्वेशन से देते हैं कि सर्कुलर मोशन में एक पार्टिकल का अगर पोजीशन वेक्टर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपके पास वो उसकी इक्वेशन रहेगी। और हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या रहती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी, तो आर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी रहेगी, और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर, जो अपना क्या होता है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो यहां पर अपना जो एक्सेलरेशन रहेगा दैट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, वो रहेगा अपना सेंट्रिपिटल या अभिकेंद्रीय त्वरण। तो ये जो स्थिति सदिश दिया हुआ है, ये मूल रूप से कण की वृत्ताकार गति को इंगित करता है, ठीक है, या पार्टिकल की सर्कुलर मोशन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो एक अच्छा डिस्कशन है, आप हमेशा ध्यान रखें ये इक्वेशंस, ऐसा जब भी आपके पास कोई टर्म आती है तो डिफरेंशिएशन से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लोग क्या कर सकते हैं, जो टर्म्स दी हुई हैं उनके वेक्टर कंपोनेंट्स को साथ में रखते हुए उनका सिंपल डिफरेंशिएशन करें और अपना रिजल्ट ऑब्टेन करें। ठीक है, वेरी गुड, चलते हैं हम लोग आगे, अगले क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा हमारे पास 7। इट ट्रक इज ट्रेवलिंग इन नॉर्थ डायरेक्शन एट 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एंड टर्न्स टू वेस्ट एंड ट्रेवल विद द सेम स्पीड। ठीक है, तो वेस्ट में टर्न होके अपने पास वो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। द चेंज इन वेलोसिटी विल बी, इसके वेग में परिवर्तन अपने को बताना है। क्या बोल रखा है अपने को, एक ट्रक जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से पहले किधर जा रहा है, ट्रेवलिंग इन नॉर्थ, पहले नॉर्थ में चल रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ में गया, ये अपने पास इसका मैग्नीट्यूड हो गया 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद उसने टर्न किया वेस्ट में, तो यहां से मैं अगर वेस्ट शो करूं तो ये रहा अपने पास वेस्ट, और ये चल कितने से रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, ओके, ठीक है, आपको चेंज इन वेलोसिटी पूछा है। एक चीज आप ध्यान दें, ये 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये 20 मीटर पर सेकंड से इधर टर्न होके इधर चलने लग गया। अगर इस क्वेश्चन में आपको चेंज इन स्पीड पूछा जाता तो चेंज इन स्पीड हमारे पास क्या है, जीरो है। पहले 20 से चल रहा है, बाद में भी 20 से चल रहा है, चेंज इन स्पीड इज जीरो, क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। पर आपको यहां पर चेंज इन वेलोसिटी पूछा है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहां पर वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलते हैं अपन यहां पर इसको इजी करने के लिए, यहां पर एक तो मैं बोल देता हूं, ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो ये हो जाएगा आपका v1 वेक्टर लेस से, और ये अपने पास हो जाएगा लेस से v2 वेक्टर, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी अपन कंसीडर करेंगे। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा आपको इजी बताने के लिए, ये हमारे पास नॉर्थ साइड हो गई, ये अपने पास साउथ है, ये हमारे पास वेस्ट हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो अपन पहले किधर जा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो नॉर्थ की डायरेक्शन में आप इसको मान लो वाई एक्सिस, इसको मान लो एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस जो है वो अपना क्या रहेगा, जे कैप में लिखा जाएगा। तो अगर अपन वाई एक्सिस की बात करें तो हमारे पास वी वन वेक्टर, उसकी वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, और किधर है ये, वाई एक्सिस के अलोंग है, तो कितना हो जाएगा, जे कैप। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन v2 वेक्टर की बात करें तो v2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 20, पर ये किस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, कहने का मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। वेस्ट डायरेक्शन आपकी क्या है, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस विल बी माइनस आई कैप। चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको पूछा है तो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अगर अपने को पूछा है तो ये हो जाएगा हमारे पास
हमारे पास डेल्टा वी वेक्टर, दिस विल बी वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर, वी टू वेक्टर माइनस वी वन वेक्टर, यानी कि इसमें से इसको आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये बन जाएगा आपका माइनस 20 आई कैप और ये बन जाएगा मेरा माइनस 20 जे कैप, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास ये दोनों टर्म्स बनती हैं, ठीक है। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरे पास 20 अंडर रूट 2, ठीक है। एक तो ये, और अब आपके पास आती है बात डायरेक्शन की, तो माइनस क्या है, माइनस आई कैप और माइनस जे कैप का सम है ये, माइनस आई कैप का मतलब पहले अपन चलेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में चलेंगे माइनस आई कैप, ठीक है। फिर अपन किधर जाएंगे, यहां से अपन चलेंगे माइनस वाई डायरेक्शन में, कहने का मतलब यहां से अपन चलेंगे माइनस वाई डायरेक्शन में, ठीक है। इस वेक्टर की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड इधर ये 20 है, ये 20 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना बनेगा, इधर बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड अपने पास कितना हो जाएगा 20 रूट 2, जिसका अपन डिस्कशन कर लिया है, और इसका अगर एंगल पूछा जाए तो ये दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये एंगल कितना बनेगा तुम्हारा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई है, इधर इधर डायरेक्शन, ये लिखा हुआ है वेस्ट, ये लिखा हुआ है साउथ, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई अपनी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो चलते हैं, अपना आंसर क्या हो जाएगा, 20 रूट 2 इन विच डायरेक्शन, दिस विल बी साउथ वेस्ट डायरेक्शन, 20 रूट 2 इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। डिस्कशन को अपन कंटिन्यू करते हैं और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। If sum of two unit vectors is a unit vector, okay, then the magnitude of their difference is, अगर दो unit vector का sum आपके पास unit vector है, कहने का मतलब, let's say आपके पास मैं बात करता हूँ A vector plus B vector, तो इनका resultant अगर मैं C लिख रहा हूँ, तो इसका magnitude 1 है, इसका magnitude भी 1 है, और इसका magnitude भी 1 है। Addition में ऐसा जब भी होता है, तो वो आपको ये show करता है कि ये जो दोनों vectors हैं, इनके बीच में जो angle बनने वाला है, वो 120 degree है। ये एडिशन, दो के एडिशन से सेम मैग्नीट्यूड का आपको जो वेक्टर मिल रहा है, दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के एडिशन से अगर आपको सेम वही मैग्नीट्यूड मिल रहा है, तो कहने का मतलब उन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल था वो आपका क्या है, 120 डिग्री है। ये सिंपल आप यहाँ पर सी के लिए जो एक्सप्रेशन बनता है उससे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, सी इक्वल्स टू अंडर रूट, ये रहता है आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जिसमें आप ए बी की वैल्यू सेम रखो और सी की भी वैल्यू इक्वल रखो, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आएगी यहां से, ठीक है। अपन चलते हैं आगे। अब आपको यहां पर ये पूछा हुआ है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब लेस से डिफरेंस को अपन लिख देते हैं डी वेक्टर, एंड दिस डी वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और डी डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो कितना रहता है, अंडर रूट ऑफ हमारे पास रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 1 into 1 और cos हो जाएगा तुम्हारा 120, cos 120 की वैल्यू होती है माइनस 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस हो गया प्लस, यहां पर बचेगा 1, तो आपके पास डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड बनेगा दैट विल बी 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1, दैट विल बी अंडर रूट 3, ठीक है। तो आगे अपना आंसर चेक करते हैं क्या है ऑप्शन अपना करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 2 आंसर इज अंडर रूट 3, गुड क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी आर 3, 4 and 5, ठीक है। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, देन एंगल बिटवीन, इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू अपने पास क्या है, सी वेक्टर है, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या होगा। अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा, हम लोग जानते हैं कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दैट इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि सी का जो मैग्नीट्यूड रहेगा दैट विल बी अंडर रूट अपना क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और आपको क्या पूछा हुआ है, ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, सी का मैग्नीट्यूड दिया है, और ए और बी के बीच में एंगल पूछा है, सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास कितना, 5, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरे पास 4 स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × अपना हो जाएगा cos थीटा, ये बन जाएगा 25, इसका स्क्वायर उधर भेजूंगा तो वो भी बन जाएगा 25, देखो क्या बन रहा है, 25 दैट इज इक्वल टू 25 प्लस हो जाएगा हमारे पास इनका जो भी मल्टीप्लीकेशन है 12 और
24 ये बन जाएगा आपके पास cos थीटा, बट ये टर्म्स क्या है कैंसिल हो गई और आपके पास 24 cos थीटा की वैल्यू आ जाती है कितनी, जीरो। ठीक है, सिंपल मैथ्स है। तो यहां से cos थीटा आपके पास क्या हो जाएगा, अब 24 तो जीरो होने से रहा, अपना cos थीटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। cos थीटा अपना हो गया जीरो, यानी कि cos थीटा में जीरो वैल्यू कब होती है, जब थीटा आपके पास क्या होता है पाई बाई टू या 90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा आपके पास जो रहेगा दैट विल बी पाई बाई टू और 90 डिग्री। नाइन्थ क्वेश्चन, आंसर नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर चले। थ्री वेक्टर्स पी क्यू एंड आर आर शोन इन फिगर, लेट एस बी द एनी पॉइंट ऑन द वेक्टर आर, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड एस इज बी आर। ठीक है, हमारे पास कुछ तीन वेक्टर दिए हैं, एक पी वेक्टर दिया है, एक क्यू वेक्टर दिया है और एक आर वेक्टर दिया है, और एस एस जो है वो आर वेक्टर पर एक कोई पॉइंट है। तो ये एस यहां पर एक पॉइंट है जिसका जो पोजीशन वेक्टर है वो एस वेक्टर अपने पास दिया गया है। ठीक है, और आपको ये बोला हुआ है कि पी एंड एस इज बी आर वेक्टर, दिस पी टू एस वेक्टर इज बी आर वेक्टर, देन द जनरल रिलेशन बिटवीन वेक्टर्स पी क्यू एंड एस। तो पी क्यू और एस सदिश में आपके पास जो सामान्य संबंध रहना चाहिए वो क्या रहेगा, तो अपने को कुछ नहीं करना है, सिंपल अपन जो जानते हैं ट्राइंगल लो, पैरेललोग्राम लो, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो क्या है, अपने को आंसर में एस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। तो एस वेक्टर कैसे कैसे निकालते हैं अपन, एस वेक्टर कैसे बनेगा, देखो ये वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर यूं आ रहा है और ये एस वेक्टर ऐसे इस ट्राइंगल को क्लोज कर रहा है। तो मैं इस एस वेक्टर के लिए लिख सकता हूं दैट एस वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, एक जाएगा तुम्हारा पी वेक्टर प्लस यहां से यहां, ये आपको गिवन है दैट दिस इज बी आर वेक्टर। तो ठीक है, अपन इसको यूज कर लेते हैं, दिस विल बी बी आर वेक्टर। एस वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू पी वेक्टर प्लस बी आर वेक्टर। आर वेक्टर के लिए इसने पहले से बढ़िया से बता रखा है कि ये आपके पास क्या है, आर वेक्टर दैट इज क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। तो इसको एडजस्ट कर देते हैं, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर एडजस्ट करें और सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा पी, और ये बी इस पी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ बी पी वेक्टर बनेगा। मैं लिख सकता हूं यहां पर p वेक्टर माइनस ऑफ b p वेक्टर और एक तुम्हारे पास क्या बनना है प्लस ऑफ b q वेक्टर। ठीक है, p वेक्टर यहां से कॉमन ले लेते हैं तो वन, सॉरी ये बनेगा वन माइनस b इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास p वेक्टर, भाई p वेक्टर मैंने यहां से कॉमन लिया वन माइनस b हो गया। ठीक है, प्लस अपने पास क्या हो जाएगा b q वेक्टर, ये रहेगा अपना सॉल्यूशन। अगर देखें इसको ये हमारे पास जो बनेगा दैट विल बी वन माइनस बी। देखो दिस इज आवर सॉल्यूशन एस वेक्टर, देखते हैं कहां पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वन माइनस बी पी वेक्टर, वन माइनस बी पी वेक्टर प्लस बी क्यू वेक्टर, ऑप्शन नंबर फोर इसका आंसर रहेगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस एकदम ऐसे बड़ा बड़ा डायग्राम सामने दिखता है तो थोड़ा सा यू सोचते हैं कि क्या हो रहा है, बट कुछ भी नहीं हो रहा है, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो वेरी गुड, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। A body is moving with velocity 30 meter per second towards east. East में चल रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, अपना डायग्राम बना लेंगे वो वाला जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था अपन ने। ये हो गया तुम्हारा east, ये हो गया हमारे पास north, ये हो गया हमारे पास west, ये हो गया अपने पास south. After 10 seconds, its velocity becomes 40 meter per second towards north. ठीक है, तो पहले अपन चल रहे हैं east में, कितने से चल रहे हैं, ये हो गया तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड और अपन चल रहे हैं ईस्ट में, और इधर से अपने पास किधर हो जाएगा, नॉर्थ में हो जाएगा, एंड दिस विल बी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, हम लोग जानते हैं दैट दिस इज वी टू वैक्टर माइनस वी वन वैक्टर अपॉन क्या होगा टी टू माइनस टी वन, या डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, T2 माइनस T1, और T2 माइनस T1 का की जो वैल्यू है इसने दे रखी है दिस इज 10 सेकेंड। ठीक है, तो इस 10 सेकेंड को, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो अपन जानती हैं कि V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अगर अपने को यहाँ पर सॉल्व करना है तो V2 माइनस V1 का अगर इसका मैग्नीट्यूड ही देना है तो इसको भी मैं मैग्नीट्यूड में ट्रांसफर कर देता हूँ और V2 माइनस V1 का मैग्नीट्यूड अपन चलाते हैं, क्या होगा इधर सबसेक्शन वेक्टर है तो बना दो इसका क्या रहेगा डेल्टा वी वेक्टर, That will be equals to, इन दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल कितना है
90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर कितना रहेगा, दैट विल बी 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर अपने पास कितना रहेगा, इसका सॉल्यूशन बनेगा 50, ठीक है। तो डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड होना है वो अपना हो चुका है 50, ठीक है, ये हो गया 50 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना अपने पास, दैट इज 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड हो गया ये, तो कैंसिल करते हैं तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन जो बनेगा दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइन, तो अपने पास एवरेज एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 11th क्वेश्चन, आंसर नंबर 1। देन हम लोग आगे वाले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स पी एंड क्यू इज आर, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू वेक्टर इज आर, तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, ये हो जाएगा तुम्हारा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर दैट इज इक्वल टू R वेक्टर। एक पॉइंट तो ये पता चल गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि R का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है, चलाएं। अब अपन यहां पर बात करते हैं, तो इफ Q इज डबल देन न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू P। अगर आपका Q डबल हो जाता है, Q डबल होने का मतलब क्या करूंगा मैं, Q को कर दिया मैंने डबल, और द न्यू रिजल्टेंट का मतलब P के साथ जो नया रिजल्टेंट बन रहा है, P के साथ नया रिजल्टेंट क्या बनेगा, P प्लस 2Q, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर टू P। अब ये P के परपेंडिकुलर है तो देन R विल बी, तो अब R का वैल्यू या R का मान क्या रहेगा। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि अगर आपको ये बोला हुआ है कि कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। परपेंडिकुलर थीटा 90 डिग्री, ए बी कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला हुआ है कि दिस पी वेक्टर प्लस 2Q वेक्टर जो है ये आपका द न्यू रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू पी, कहने का मतलब ये जो है ये पी के परपेंडिकुलर है, यानी कि पी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट जो बनना है वो क्या बनना है, जीरो बनना है, ठीक है। तो चलाएं इसको, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा तुम्हारा पी डॉट पी, P dot P होता है P square plus, इसको इससे multiply करूंगा तो ये बनेगा 2P vector dot क्या हो जाएगा, Q vector that is equals to 0, simple। तो ये 2P dot Q, 2 तो 2P dot Q को मैं लिख सकता हूं PQ cos theta, और इस P square को मैं इधर भेज देता हूं तो ये बन जाएगा माइनस का P square, तो आपके पास 2PQ cos theta की वैल्यू बन चुकी है कितनी, माइनस P square 2PQ cos theta। आपको कैलकुलेट करनी है R की वैल्यू, तो R की वैल्यू तो ये रही, R की वैल्यू ये रही, अंडर रूट ये रहा तुम्हारा क्या, P स्क्वायर प्लस ये रहा तुम्हारा Q स्क्वायर, और 2PQ cos थीटा, 2PQ cos थीटा क्या बन रहा है तुम्हारा, माइनस ऑफ P स्क्वायर, तो ये P स्क्वायर से ये P स्क्वायर कैंसिल, और R जो आपका बच जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ Q स्क्वायर, मींस R विल बी इक्वल्स टू Q। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ठीक है, R विल बी इक्वल्स टू Q। डन, नेक्स्ट, If this vector is perpendicular to the vector this, then the value of i. यदि 2i cap plus 3j cap plus 8k cap, दूसरे सदिश 4i cap minus 4j cap plus ak cap के लंबवत हो, तो लंबवत हो, मैंने अभी बोला कि लंबवत होने पर या perpendicular होने पर हमारे पास क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस फर्स्ट वेक्टर इसको a बोल देता हूँ, डॉट सेकंड वेक्टर आपको क्या बोल देता हूँ, b बोल देता हूँ, तो ये क्या बोलेगा अपने पास, ये परपेंडिकुलर होने के केस में ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो रहेगा। डॉट प्रोडक्ट क्या बोलता है, i वाले का i वाले से मल्टीप्लिकेशन, j वाले का j वाले से मल्टीप्लिकेशन, k वाले का k वाले से मल्टीप्लिकेशन। चलो साहब, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास कितना, माइनस 4 × 3 = 12, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस ऑफ 8a दैट इज इक्वल्स टू 0, तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस 4 + 8a दैट इज इक्वल्स टू 0, 8a that will be equals to 4 or a will be equals to 4 upon 8 that is 1/2, simple, बढ़िया। 13 question, answer 2। चलते हैं अगले question पर। The angle between a vector and b vector is theta, a और b के बीच में angle theta है, the value of triple product a dot b cross a, ठीक है, चलते हैं। हम लोग ये जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अब जानने लग जाएंगे कि B क्रॉस A वेक्टर, या ये जो भी रिजल्टेंट रहना है, ये B क्रॉस A, ये वेक्टर, ये हमेशा इन दोनों वेक्टर्स के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। कहने का मतलब मैं अगर इसको C वेक्टर बोल देता हूं तो C वेक्टर हमेशा B वेक्टर और C वेक्टर हमेशा A वेक्टर के, दोनों वेक्टर्स के क्या रहेगा, ये परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है।
अब ये जब अपने पास हो चुका है तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपको ये पूछा है इफेक्टिवली ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर पूछा है, ए वेक्टर डॉट ये अपना क्या है सी वेक्टर है, और अपन ने अभी बोला कि सी वेक्टर तो ए वेक्टर के क्या है परपेंडिकुलर है, जब सी वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो ए और सी का जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर डॉट प्रोडक्ट जीरो, ठीक है, गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट, इफ ए वेक्टर इज दिस एंड बी वेक्टर इज दिस आर फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यदि आपको ए सदिश ये दिया गया है और बी सदिश ये दिया गया है तो, और ये समय के फलन है, तो टी का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये सदिश परस्पर लंबवत होते हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है एंगल 90 डिग्री या परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की फिर से हमारे पास कंडीशन क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपका क्या होना है जीरो होना है, ठीक है, ये सारे डॉट प्रोडक्ट पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सबका एक है बट वैरायटी अलग अलग है, तो आप समझे इस बात को। चले आगे, क्या बोलता है डॉट प्रोडक्ट, आई वाले का आई वाले से मल्टीप्लिकेशन, जे वाले का जे वाले से मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन अगर करके देखते हैं अपन तो ये बनेगा तुम्हारा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी अपॉन अपना क्या हो जाएगा टू प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन अपना हो जाएगा ओमेगा टी इंटू ये हो जाएगा साइन अपने पास हो जाएगा ओमेगा टी अपॉन टू, ये हो गया अपने पास डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आई वाला जे वाला और ये आपके पास क्या बनना है जीरो। अब देखें cos 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 a cos b प्लस sin a sin b, cos a cos b प्लस sin a sin b होता है हमारे पास cos a माइनस b, ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं cos ये बन जाएगा तुम्हारा ओमेगा t माइनस ओमेगा t अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओमेगा t माइनस ओमेगा t अपॉन 2 सॉल्व करें cos ये बन जाएगा मेरे पास कितना ओमेगा t अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। अब देखें cos में 0 कब होता है, cos 0 होता है अपना 90 पर या पाई बाई 2 पर, तो यहां से एंगल की अगर बात करें तो ओमेगा टी अपॉन 2 दैट विल बी इक्वल टू अवर पाई बाई 2। अब क्या कैलकुलेट करना है देख लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो ये 2 से 2 अपना कैंसिल और यहां से टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास पाई ओमेगा शिफ्ट कर दिया अपन ने, ठीक है, देन दिस इज अवर सॉल्यूशन पाई अपॉन ओमेगा। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर नंबर 2, चलते हैं हम लोग आगे। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर्स ए वेक्टर दिस एंड बी वेक्टर दिस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर या दो जो वेक्टर होते हैं उनसे कवर्ड पैरेललोग्राम का एरिया रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया बोलना है तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, तो बात करते हैं, अपने पास ए वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर ये रहा, ठीक है, ए क्रॉस बी डायरेक्ट बोल देता हूं मैं, क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं, ये अपने पास कितना है 2i प्लस कितना हो जाएगा 3j, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको किसके साथ में i प्लस किसके साथ में करना है 4j, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर का ध्यान रखना है और सीधा सीधा अपने अपने को यहां पर अपन क्या कर सकते हैं हर टर्म का मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, आई वाली टर्म को आई वाली टर्म से अगर अपन क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आई क्रॉस आई की वैल्यू होती है जीरो, तो पहली टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी जीरो प्लस इस आई वाली टर्म को इस जे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा तुम्हारा 2 × 4 = 8, ये बनेगा आई क्रॉस जे, ठीक है, प्लस इस जे वाली टर्म को यहां पर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 3, यहां पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है और यहां बनेगा जे क्रॉस आई, और इस J वाली टर्म को J वाली टर्म से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 × 4 = 12, पर J क्रॉस J आपका रहेगा 0, ठीक है, चलते हैं, हम लोग ऑर्डर जानते हैं, I क्रॉस J जो होता है वो क्या होता है K होता है, तो ये बनेगा तुम्हारा 8KK, ठीक है, J क्रॉस I जो रहता है, J क्रॉस I अपन चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस K रहेगा, तो दिस विल बी माइनस 3KK और ये रिजल्ट बनेगा तुम्हारा 5KK, तो A क्रॉस B की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 5k कैप आ रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास 5, तो हमारे पास जो आंसर बनना है दैट विल बी 5। बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, बढ़ते हैं हम लोग आगे। इफ ए वेक्टर पी मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा रेस्पेक्टिवली विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस देन दिस वैल्यू विल बी, तो
आप इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस जो होती है एक वेक्टर की, डायरेक्शन कोसाइंस कौन होती है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइंस के जो स्क्वायर्स होते हैं उनका सम हमेशा यूनिटी होता है। कहने का मतलब एक चीज तो ये आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस हमारे पास रहेगा कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इक्वल टू 1, इन तीनों का सम हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस इज 1, उसके अकॉर्डिंग आप अगर यहां पर इनको साइन में कन्वर्ट करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास हमेशा आएगी इसमें, इधर से अगर अपन ट्रांसफर करेंगे तो दिस विल बिकम 2। जस्ट आप इस कॉस को क्या करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा करें और साइन को उधर ट्रांसफर करें और इस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट बनेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधा सीधा एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये दोनों वैल्यूज आप लोग को क्या करनी है, याद रखनी है, ठीक है। तो अपना आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स OA, OB एंड OC। यहां पर आपको 3 वेक्टर्स शो किए गए हैं, इनका रिजल्टेंट अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। OA हमारे पास ये रहा वेक्टर, OB हमारे पास वेक्टर ये रहा, OC वेक्टर ये रहा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अपने पास कितना है, ये रेडियस है तो R मैग्नीट्यूड, इसका भी R मैग्नीट्यूड, इसका भी R मैग्नीट्यूड। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने पर आप हमेशा उन वेक्टर्स के रिजल्टेंट्स पहले फाइंड कर लीजिए जो आप लोग को सीधा सीधा इजीली ऑब्टेनेबल है। जैसे मेरे को यहां पर दिख रहा है कि A और ये जो OA और OC जो है वो दोनों परपेंडिकुलर है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, रिजल्टेंट जाएगा इनके एंगल बाईसेक्टर पर, एक दूसरा, और उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो अपन देख सकते हैं ये 90 डिग्री पर है, ये अपने पास R रहा और ये रहा अपने पास R। तो मैं पहले OA और OC को सॉल्व कर रहा हूं, इन पर पैरेललोग्राम अगर अपन अप्लाई करते हैं तो इनका रिजल्टेंट इधर जाएगा ऑब्वियसली। अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो होनी है वो रूट टू आर रहनी है और ये जो डायरेक्शन बनेगी क्योंकि ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड सेम है तो ये एंगल रहेगा 45 डिग्री। तो OA और OC का जो रिजल्टेंट जा रहा है रूट टू आर वो जा रहा है 45 डिग्री पर। तो एक तो रिजल्टेंट आपके पास 45 डिग्री पर कितना हो चुका है जो अपन ने OA और OC का सॉल्व किया दैट इज रूट टू आर, और एक OB पहले से 45 डिग्री पर आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो इसी डायरेक्शन में आपके पास अब एक वेक्टर पहले से अपना OB अवेलेबल है, तो ये तो हो गया आपका A और C पहले का सॉल्यूशन, पर ये अपने पास एडिशनल OB टर्म है तो, और इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0। तो इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 0 है तो अपने पास रिजल्टेंट या ये टोटल रिजल्टेंट कितना बनेगा, तीनों वेक्टर्स का सम कितना बनेगा, दैट इज आर प्लस अंडर रूट टू आर। और ये देखेंगे तो यहां पर आर कॉमन ले लेते हैं एंड दिस विल बी रूट टू प्लस 1। डन, कहां गया सॉल्यूशन, ये रहा इधर इधर, ये रहा आर 1 प्लस रूट टू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, पहले जो मेरे को दिख रहे हैं कि मैं ये इजी हैं तो इनको मैंने पहले सॉल्व कर लिया और उसके बाद जो इस क्वेश्चन में उनका रिजल्टेंट उसी तीसरे वेक्टर की डायरेक्शन में बन रहा है, एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू वेक्टर्स ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज एन टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। अपने a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है जिसका फॉर्मूला अपन जानते हैं वो a माइनस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसका भी फॉर्मूला अपन जानते हैं, उसका n टाइम्स है, ठीक है। देन द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज, ठीक है। कहने का मतलब अपना जो रिजल्टेंट एडिशन वेक्टर है c वेक्टर वो है n टाइम्स ऑफ, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज n टाइम्स ऑफ इनका जो डिफरेंस वेक्टर है b वेक्टर उसके इस तरह से एन टाइम्स है, ठीक है। तो बस सॉल्व करना है क्वेश्चन को, चलते हैं अपन। आपको ये भी बोला हुआ है कि ए और बी का जो मैग्नीट्यूड क्या है वो इक्वल है, तो चलते हैं अपन। हमारे पास इस तरह से है कि रिजल्टेंट ऑफ एडिशन वेक्टर हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा एंड दिस टर्म इज एन टाइम्स ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे और ये क्या है तुम्हारे पास, ए और बी दोनों इक्वल है, आपको क्वेश्चन में गिवन है ए एंड बी है इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूं, दिस इज 2a स्क्वायर प्लस ये भी बन जाएगा मेरा कितना 2a स्क्वायर cos थीटा इज इक्वल्स टू
स्क्वायर कर दिया मैंने, तो यहां पर मैं लिखूंगा एन स्क्वायर और ये बन जाएगा मेरे पास 2a² माइनस 2a² कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां से 2a² कॉमन ले लेता हूं, उधर से भी 2a² कॉमन ले लेता हूं और कैंसिल कर देता हूं, तो यहां पर बन जाएगा तुम्हारे पास 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और अब बस अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, कैसे भी सॉल्व कर लो इसको, 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा को मैं उधर ट्रांसफर कर लेता हूं, उस 1 को इधर ट्रांसफर कर लेता हूं, तो ये उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा टाइम्स 1 प्लस क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और कॉस थीटा की हमारे पास वैल्यू बनती है दैट इज एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। एंड वी विल बी गेटिंग थीटा विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, दिस विल बी एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। देखें कौन सा ऑप्शन अपने पास बन रहा है, पिछले क्वेश्चन में कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, कॉस इनवर्स एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। एक बेहतरीन सवाल, डन, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19, आंसर नंबर 3। बढ़ते हैं हम लोग आगे, ए पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी, ठीक है। द चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल मूव फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है। जब पार्टिकल पी से क्यू तक मूव करेगा तब इसकी वेलोसिटी में चेंज कितना रहेगा, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है ये v है और ये भी कितना है v है, तो डिफरेंस में हम लोग जानते हैं कि आपका जो डेल्टा v वेक्टर होता है, डेल्टा v वेक्टर जबकि आपके पास मैग्नीट्यूड क्या हो a और b का सेम हो, तो वो जो बनता है वो अपने पास क्या बनता है 2a sin थीटा बाई 2, वेक्टर डिफरेंस की प्रॉपर्टी है ये, हम लोगों ने पढ़ रखी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 2, a का मतलब जिस वेक्टर की जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है, तो अपना वेक्टर कौन सा है ये वेक्टर v, इसकी भी वैल्यू, इस वेक्टर की वैल्यू v, इसका मैग्नीट्यूड v और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है v, यानी कि a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी v sin एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल जो बनना है वो यही बनना है दैट इज 40 अपॉन 2, दिस विल बी 20, तो अपने पास बनेगा 2v sin 20 डिग्री, दिस विल बी आवर सॉल्यूशन, चलाएं 2v sin 20 हमारे पास क्या रहा, ऑप्शन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं हम लोग आगे, इफ a एंड b वेक्टर्स आर दिस देन द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर विल बी, a का b वेक्टर पर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दैट प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर अगर अपने को लिखना है तो आप सिंपल इसको यूं देखो कि a का b पर कंपोनेंट कौन सा है, a का b की तरफ कंपोनेंट क्या रहेगा a cos थीटा, ठीक है। अगर अपने पास ये दो वेक्टर है, लेट्स से योर b वेक्टर इज दिस एंड आवर a वेक्टर इज दिस, तो a का b पर प्रोजेक्शन पूछा हुआ है, यानी कि यहां से अगर आप इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो कंपोनेंट बनेगा, अगर ये एंगल अपने पास थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा a cos थीटा, ठीक है। a cos थीटा ये है, मैं इसको इजी करने के लिए क्या करता हूं b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर बन जाएगा ab cos थीटा और उसको मैं लिख सकता हूं a dot b अपॉन आपके पास क्या हो जाएगा b, तो ये a वेक्टर का b वेक्टर पर कंपोनेंट या प्रोजेक्शन का सिंपल इक्वेशन हमारे पास बन जाता है दैट द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन b, ठीक है। या इसको अगर हिंदी में बोले तो a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप क्या रहेगा a डॉट b अपॉन b। चलाते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्या है अपने पास, मल्टीप्लाई करें यहां पर क्या हो जाएगा 2 into minus 1 minus 2, ये बन जाएगा 3 into 3, ये कितना बन जाएगा मेरे पास प्लस 9, और इधर बन जाएगा मेरे पास कितना माइनस 4 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना बनेगा यहां पर बी का मैग्नीट्यूड ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर क्या बनेगा मेरे पास 9 प्लस 4 का स्क्वायर बनेगा मेरे पास 16, इधर देखिए कितना बन रहा है ये 4 और 2 6 ये 9 है तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास 3 अपॉन अंडर रूट अपने पास क्या हो जाएगा 16 और 9 25 और 1 26 3 अपॉन अंडर रूट 26, दिस विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर, a सदिश का b सदिश पर प्रक्षेप, ठीक है। तो 3 अपॉन क्या रहेगा अपना अंडर रूट 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर दीज टू वेक्टर्स a डॉट b इज इक्वल्स टू क्या है अपने पास
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, कहने का मतलब आपको क्या बोला हुआ है, ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना होता है हमने पास ए बी साइन थीटा, ये दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अपन जानते हैं कि सी का मैग्नीट्यूड होता है अपने पास कितना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी से अपना ए बी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपना टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा विल बी इक्वल्स टू वन और थीटा विल बी इक्वल्स टू अवर 45 डिग्री, ठीक है। तो बस यहां पर वैल्यू पुट कर देते थीटा की, ये हो जाएगा अपना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 45, कॉस 45 की वैल्यू रहती है हमारे पास 1/√2, ठीक है 1/√2, इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा कैंसिल, ये रूट टू टाइम्स कैंसिल होगा, अपने पास सी जो बनेगा दैट विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू ए बी, बढ़िया। तो आंसर क्या बनेगा अपना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू ए बी। आगे बढ़ते हैं, द यूनिट ऑफ स्टीफन कॉन्स्टेंट इज, स्टीफन कॉन्स्टेंट की यूनिट क्या होती है, स्टीफन कॉन्स्टेंट हमारे पास जो रूल या स्टीफन लॉ जो होता है वो होता है E इजिकल्स टू हमारे पास रहता है सिग्मा टी फोर, द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी किसी आदर्श कृष्णिका से उत्सर्जित ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय जो होती है वो इसके द्वारा दी जाती है, और ये जो कॉन्स्टेंट है ये अपना क्या है, स्टीफन कॉन्स्टेंट है। इस E की जो यूनिट रहती है वो रहती है हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास सिग्मा और ये टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा केल्विन पावर 4, तो इसको नीचे ट्रांसफर करेंगे तो अपने पास स्टीफन कॉन्स्टेंट की यूनिट जो बन जाएगी, इसकी जो यूनिट बनेगी वो बनेगी वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4। देखते हैं अपना आंसर कौन सा मिल रहा है यहां पर, अच्छा माइनस में इनको ऊपर शिफ्ट करेंगे 2 और 4 क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू द पावर 4 स्टीफन कॉन्स्टेंट, क्वेश्चन नंबर 23 आंसर नंबर 3 डन। नेक्स्ट, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, एक फोर्स आपको दिया हुआ है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है, द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विल बी, जो समानुपाती नियतांक रहेगा उसके उसके मात्रक क्या रहेंगे, ठीक है अपने को मात्रक बोलना है तो पहले तो समानुपाती नियतांक लगा देते हैं, इसको इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेता हूं और मैं यहां पर कुछ भी एन समानुपाती कांस्टेंट लगा देता हूं, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स क्या होता है हमारे पास, इसकी यूनिट क्या रहेगी हमारे पास, दिस विल बी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड टू द पावर माइनस टू, ठीक है ये हो जाएगा मेरे पास एन और ये रहता है मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, तो शिफ्ट कर देते हैं, एन अपने पास क्या हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस टू अपॉन क्या हो जाएगा मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर से मीटर कैंसिल ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा केजी, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक यहां पर बच जाएगा सेकेंड इनवर्स, केजी सेकेंड इनवर्स, सिंपल कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो अपना आंसर बन जाएगा केजी सेकेंड इनवर्स, डन गुड। चलते हैं हम लोग आगे, इफ एस इज इक्वल टू ए 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी एक्स टी वेयर एस इज स्पीड ओके एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम फाइन द यूनिट ऑफ बी इज आपको बी की यूनिट पूछी है जहां पर आपको क्या बोला हुआ है कि एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है और टी जो है वो अपने पास क्या है टाइम है बी कहां पर आ रहा है देखो बी रहा अपने पास ये बी जो है वो यहां पर ई की पावर में आ रही है पावर्स के लिए आप हमेशा ध्यान रखें कि पावर्स हमेशा डायमेंशन लेस होती है कहने का मतलब मैं अगर बी एक्स टी की डायमेंशन बात करूंगा तो इसकी ये डायमेंशन लेस है इसके लिए मैं इसको लिख सकता हूं 1 ठीक है तो अगर मैं डायमेंशन ऑफ बी की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स टी इनको इधर शिफ्ट कर दिया ठीक है एक्स क्या है अपने पास डिस्प्लेसमेंट इसकी यूनिट मीटर टी अपने पास टाइम है तो इसकी यूनिट सेकेंड तो ये हो जाएगा 1 अपॉन मीटर इनटू सेकंड तो बी की डायमेंशन या बी की यूनिट की अगर बात करनी है तो डायमेंशन में एल और टी अपन यहां पर लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कितना एल या मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स देखें मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तो हमारे पास जो आंसर रहेगा 25th क्वेश्चन का दैट विल बी 1
मीटर इनवर्स सेकंड, अगर डायमेंशन भी पूछी है तो ये एल माइनस वन, ये सेकंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा टी माइनस वन। गुड क्वेश्चन, डन, आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट ए यूनिट ऑफ, ठीक है, देखते हैं क्या बोल रहा है। डाइन, डाइन हम लोग जानते हैं कि फोर्स का सीजीएस यूनिट है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपको एरिया का आपका क्या है, सीजीएस यूनिट है, ठीक है। तो आपको यहां पर जो क्वांटिटीज है एक्चुअली इफेक्टिवली ये जो यूनिट दी हुई है ये क्या बन जाएगी आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स अपॉन एरिया जो होता है वो हमारे पास प्रेशर रहता है, ठीक है, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास स्ट्रेस रहता है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो हमारे पास क्या रहता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम लोग देखते हैं तो अपने पास जो स्ट्रेस है दैट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टाइम स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन को अगर मैं एप्सिलॉन से लिखूं, ठीक है, हम स्ट्रेन के लिए अगर बात करते हैं तो स्ट्रेन जो क्वांटिटी है या विकृति जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। स्ट्रेन को अगर अपन देखना है लेंथ के अलोंग स्ट्रेन देखें या लेंथ के अलोंग या लंबाई के अनुदिश विकृति देखते हैं तो कितना रहता है, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यहां पर प्रेशर, ठीक है, यही यूनिट है प्रेशर की। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, और हमारे पास यंग मॉडुलस भी जो रहेगा क्योंकि स्ट्रेन डायमेंशनलेस है तो यंग मॉडुलस और स्ट्रेस की जो डायमेंशन रहेगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किलोवाट आर इज यूनिट ऑफ, देखें आपको यहां पर पहले दे रखा है किलो, किलो तो अपने पास 10 टू पावर 3 है, ये वाट दे रखा है और आर यानी कि आपको टाइम दे रखा है, ठीक है। हम लोग ये जानते हैं कि पावर जो होता है इफेक्टिवली ये रेट ऑफ वर्क डन वर्क अपॉन टाइम होता है, या वर्क इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं पावर इंटू टाइम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वाट और दिस इज टाइम, ठीक है। अब वर्क जो होता है वो क्या होता है, द एबिलिटी टू वर्क इज एनर्जी, तो हम लोग एनर्जी भी लिख सकते हैं, दैट एनर्जी इज पावर इंटू टाइम, यानी कि वाट इंटू सेकेंड, ठीक है। अब सेकेंड को आपको आर में भी बदल रहे हैं, बट अल्टीमेटली ये जो चीज है किलो वाट आर वाट इंटू टाइम वो क्या हो जाएगा अपना एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो अपना जो इसका आंसर हो जाएगा, चार्ज नहीं पावर नहीं, ये क्या है हमारे पास, एनर्जी है। किलो वाट आर के डब्ल्यू एच जिस पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी की रीडिंग्स बनती हैं वो एनर्जी रीडिंग होती है, वो पावर रीडिंग नहीं होती है, ठीक है, वो एनर्जी कंजप्शन होता है इफेक्टिवली, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 पर चलते हैं, क्या बोल रहा है। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट इज, गुप्त ऊष्मा का विमीय सूत्र होगा, गुप्त ऊष्मा पर चलते हैं। गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग के पास गुप्त ऊष्मा का बेसिक फॉर्मूला होता है Q इजिकल्स टू एम एल। क्यू क्या है, हीट, ऊष्मा, ऊष्मा क्या होती है, ऊर्जा, या एनर्जी क्या, सॉरी हीट क्या होता है हमारे पास, एनर्जी होती है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, दिस विल बी एम वन एल टू टी माइनस टू, ये मास है तो ये हो जाएगा तुम्हारा एम वन, और ये अपने पास रह गई लेटेंट हीट, एल रह गया, तो इस एम से ये वाला एम कैंसिल और आपके पास लेटेंट हीट की जो डायमेंशन बच जाएगी, ये लेटेंट हीट है और ये लेंथ वाला डायमेंशन है एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू कहां पर गया अपना ऑप्शन, ये रहा अपने पास एल टू टी माइनस टू, ऑप्शन नंबर वन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इन सारे क्वेश्चंस के लिए या आप लोग को वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस के लिए आप सीरियल सी की गुरुनीति की भी हेल्प ले सकते हैं। गुरुनीति में हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोगों ने वहां पर रखा हुआ है, तो आप गुरुनीति के भी वीडियो देखें जिस पर आप लोग को बहुत सारा नॉलेज गेन करने को मिलेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स का भी सॉल्यूशन हम लोगों ने रखा हुआ है, तो आप लोग उनको भी विजिट करें, दैट विल बी ए वेरी हेल्पफुल सोर्स फॉर यू, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 29, द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। बहुत ही कन्वेंशनल क्वेश्चन है, हर जगह पर हर एग्जाम में आने की इसकी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, ठीक है। हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एफ इजिकल्स टू जी एम वन एम टू अपॉन क्या रहता है हमारे पास, आर स्क्वायर। तो यहां से आप ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट के लिए डायमेंशन अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जी क्या हो जाएगा, जी के लिए मैं बना सकता हूँ ये हो जाएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एम वन एम टू। अगर मेरे को इसकी डायमेंशन लिखनी है जी की, तो एफ फोर्स क्या होता है, एम वन एल वन टी माइनस टू इंटू आर लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एल टू अपॉन एम वन एम टू, ये दोनों मास है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एम स्क्वायर,
जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं, एक एम से एक एम कैंसिल, ये बन जाएगा मेरे पास, इसको ऊपर शिफ्ट करूंगा, दिस विल बी एम माइनस वन, एल हो जाएगा अपना थ्री टी माइनस टू, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, देखते हैं ऑप्शन कौन सा बन रहा है, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, क्वेश्चन 29 आंसर रहेगा अपना सेकेंड। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 30, If energy, velocity and time are chosen as fundamental quantities, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको एनर्जी वेलोसिटी और टाइम, ऊर्जा वेग और समय को अपने को क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर करना है, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, ओके, सरफेस टेंशन को मैं एस टी लिख देता हूं, तो आपको एस टी को रिप्रेजेंट करना है किसमें, एनर्जी, ठीक है, वेलोसिटी और अपने को टाइम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो लेस से एसटी जो सरफेस टेंशन है वो एनर्जी की पावर एक्स पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी की पावर लेस से वाई पर डिपेंड करती है और टी की पावर जेड पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो अपन सरफेस टेंशन के लिए अगर बात करें तो सरफेस टेंशन जो होता है वो फोर्स अपॉन क्या होता है, लेंथ होता है, तो फोर्स क्या बनता है, एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन, ये हो जाएगा एल, तो सरफेस टेंशन की डायमेंशन अगर मैं बोलूं तो ये बनेगा मेरे पास कितना, एम वन एल जीरो टी माइनस टू, सरफेस टेंशन की डायमेंशन इस तरह से रहेगी। अब बाकी दूसरी चीजों के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर लिखते जाते हैं जो जो चीजें हैं हमारे पास, सरफेस टेंशन अगर अपन डायमेंशनल इक्विवेलेंसी यहां पर अप्लाई करें या विमीय तुल्यता अगर अपन यहां पर अप्लाई करें तो हमारे पास सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या हो चुकी है, एम वन एल जीरो और क्या रह जाएगा तुम्हारे पास, टी माइनस टू इजिकल्स टू ई टू द पावर अपने पास क्या है, एक्स, ई क्या है, एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन होती है मेरे पास m1 l2 t माइनस टू की पावर हो जाएगी x, इधर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, l1 t माइनस वन इसकी पावर हो जाएगी y, और मेरे पास क्या है, टाइम, तो टाइम की पावर क्या हो जाएगी z, ठीक है। अगर अपन यहां पर बात करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, इधर हमारे पास क्या है, m1 l0 t माइनस टू, इधर m को अगर मैं कलेक्ट करूं तो m की पावर कितनी बन रही है मेरे पास, m की पावर बन रही है x, और m कहीं नहीं आ रहा है, l की पावर टोटल बनाऊं तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 2x, 2x, l की पावर प्लस एक और बनेगी y, और इधर आपके पास और कुछ नहीं बन रहा है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, और t की पावर अगर मैं देखूं तो यहां पर माइनस का 2x बन रहा है, ठीक है, इधर माइनस का वाई बन रहा है और इधर आपके पास क्या बन रहा है, प्लस का जेड बन रहा है, तो दोनों साइड आपको दिख रही है, दोनों साइड में आप लोग क्या करें, इन पावर्स का कंपैरिजन करेंगे, पावर्स का कंपैरिजन करने पर आपके पास x की जो वैल्यू आएगी वो बन रही है अपने पास कितनी, 1, फिर आपके पास y की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास -2 और z की जो वैल्यू बनेगी वो भी बनेगी अपने पास -2। इक्वेशंस है सिंपल, आप लोग को इनको सॉल्व करना है, तो अपने पास x, y और z इनको अगर अपन सॉल्व करें तो इनकी वैल्यूज यहां पर पुट कर देते हैं, तो e टू द पावर आपके पास क्या बन जाएगी, 1, वेलोसिटी टू द पावर कितना बन जाएगा, -2, क्योंकि y की वैल्यू आपके पास कितनी है, ये 1, ये -2, और z की पावर या t की पावर आपके, सॉरी t की पावर आपके पास क्या बनेगी, t की पावर बनेगी -2, तो ऑप्शन हमारे पास मैच करते हैं, क्या बनेगा, e v टू द पावर -2 t टू द पावर -2, ये रहा हमारे पास ऑप्शन, तो 30th क्वेश्चन का अपने पास आंसर बनेगा 2। ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग हमेशा क्या करेंगे, यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, इसके लिए आपको क्वांटिटीज के डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और आपको डायमेंशनल इक्विवेलेंसी यहां पर अप्लाई करनी है, सिंपल इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करें, यहां पर पावर को कंपैरिजन किया अपन ने, इस पावर ये x, m की पावर, यहां पर ये इक्विवेलेंसी हो गई, 2x plus y आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2x, जिसकी वजह से मैंने यहां पर रखा 2, और इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको z की भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना चलेगा 31, The dimension formula for Planck constant is, ये भी question बहुत बार पूछा जाता है, dimensional formula for Planck constant, Planck नियतांक के लिए विमा, Planck नियतांक के लिए जो formula अपन जानते हैं, एक ही famous formula अपने पास क्या है, E equals to h nu, energy, ये क्या है हमारे पास, m1 l2 t minus 2, equals to h, ये है हमारे पास nu, या frequency है ये, frequency की dimension होती है t minus 1, ठीक है, इस t को मैं उधर शिफ्ट करूंगा तो आपके पास h क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके ये ऐड होगा उसमें, तो हमारे पास बनेगा m1 l2 और ये हो जाएगा अपना t minus 1, कैसे हुआ, ये डिनोमिनेटर में आएगा जिसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t minus 2 plus 1 हो जाएगा, तो plus 1 की वजह से यहां पर बच जाएगा minus 1 और आपके पास प्लैंक कांस्टेंट बन जाएगा m1 l2 t minus 1, m1 l2
टी माइनस वन, एक ऑप्शन नंबर अपना हो जाएगा थ्री. देन वेरी गुड, बढ़ते हैं हम लोग आगे. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है. 32 क्वेश्चन को देखते हैं. द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ये गैसेस रियल गैसेस के लिए वंडरवॉल इक्वेशन है. P is pressure, V is volume, T is absolute temperature and A, B, R are constant. यहाँ पर ये जो चीजें दी गई हैं उनके बारे में अपने को बोला गया है कि P दाब है, V आयतन है, T अपना क्या है परम ताप है, A, B, R अपने नियतांक है. The dimension of A is, A की dimension क्या रहेगी. A किधर रहा अपने पास, ये रहा अपने पास A. यहाँ पर आप ये देखें कि A upon V square P के साथ में add हो रहा है. फिजिक्स का एक रूल होता है कि हमेशा सेम और इक्वल सेम क्वांटिटीज ऐड होती है. कहने का मतलब लेंथ के साथ में हमेशा जो भी ऐड होगा वो लेंथ ही होगी. आप लेंथ को मास में ऐड नहीं कर सकते. कहने का मतलब 3 किलोमीटर को अपन 2 किलो में ऐड नहीं कर सकते. कहने का मतलब जो क्वांटिटीज ऐड हो रही है उनकी डायमेंशन हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी. ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर. ठीक है, सिंपल. या इस वी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करूं तो डायमेंशन ऑफ ए इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी इंटू वी स्क्वायर. ठीक है, प्रेशर की डायमेंशन, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया. एम वन एल वन टी माइनस टू अपॉन एरिया, तो एरिया ऊपर जाएगा तो हमारे पास एल माइनस टू ऊपर जाएगा, एक एल पहले से है, तो प्रेशर की डायमेंशन आपके पास बनेगी एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू. एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, ये हो गया हमारे पास प्रेशर. और वॉल्यूम, वॉल्यूम जो होता है उसकी डायमेंशन होती है एल क्यूब, पर यहां पर एल क्यूब का क्या है, स्क्वायर है, तो यहां पर बनेगा आपके पास एल टू द पावर 6. तो हमारे पास लेंथ को अगर अरेंज करें तो आपके पास ए की डायमेंशन बनती है एम वन एल फाइव टी माइनस टू. एम वन एल फाइव टी माइनस टू, देखें ऑप्शन एम वन एल फाइव टी माइनस टू, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा. ये एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन है जिसमें इसी तरह से आप लोग को यहां पर B के लिए भी देखना है. तो B वॉल्यूम के साथ में ऐड हो रहा है तो B की डायमेंशन वॉल्यूम की डायमेंशन की क्या रहेगी, बराबर रहेगी. ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर. इफ V डिनोट्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, यदि V किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य विभवांतर है ऑफ कैपेसिटेंस C, जिसकी धारिता अपने पास C है. The dimension of CV square will be, CV square की dimensions क्या रहेगी, dimension of CV square. हम लोग जानते हैं कि एक capacitor में जो energy stored रहती है उसका formula होता है half CV square. अब half की तो कोई dimension नहीं है, यानी कि CV square की dimension जो रहेगी वो energy की dimension के बराबर रहेगी. Direct आप लोग formula को उठा सकते हैं. ठीक है, तो dimension of अपन क्या बोल सकते हैं, dimension of CV square will be equals to dimension of energy, और dimension of energy क्या होती है, M1 L2 T minus 2, T minus 2. M1, L2, T minus 2. ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो चुका है, 4. एक बढ़िया क्वेश्चन जो काफी बार पूछा जाता है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. If mass is measured in units of alpha kg, length in beta meter and time in gamma second. यदि वस्तु का इकाई द्रव्यमान अल्फा kg में, यदि बीटा लंबाई बीटा मीटर में तथा समय गामा सेकंड में नापा जाता है तो एक कैलोरी कितना होगा. ठीक है, एक सिस्टमेटिक और एक अच्छा क्वेश्चन है. देखें, आपको यह बोला हुआ है कि जैसे अपन अल्फा केजी का मतलब क्या है कि आप 5 किलो को, लेट्स से अल्फा की वैल्यू 5 है, तो आप 5 किलो को क्या बोल रहे हो, एक यूनिट बोल रहे हो. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो हमारे पास लेट्स से अल्फा केजी जो है, अल्फा केजी ये अपना नया सिस्टम है जिसमें केजी डैश बोल देता हूं मैं, kg dash किसके बराबर है, नए सिस्टम में kg dash alpha kg के बराबर है. कहने का मतलब ये बोला, यदि वस्तु का इकाई द्रव्यमान alpha kg में नापा जाता है, यानी कि ये नया सिस्टम जिसमें इकाई द्रव्यमान alpha kg में मेजर किया जा रहा है. उसी तरह से मैं मीटर डैश बोल देता हूं, मीटर डैश आपके पास क्या है, बीटा मीटर है. और उसी तरह से हमारे पास सेकंड डैश बोल देता हूं, ये कितना है अपने पास, गामा सेकंड है. इस तरह से ये अपना नया सिस्टम हो गया, किसमें, केजी डैश, मीटर डैश और सेकंड डैश में. तो आपको पूछा हुआ कि एक कैलोरी कितना होगा, तो एक कैलोरी कितना होता है, वन कैलोरी होता है अपने पास 4.2 जूल. ठीक है, 4.2 जूल की अगर अपन बात करें तो 4.2 जूल क्या होता है, ये होता है हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर, ये होता है हमारे पास माइनस 2, ये होता है.
पर हम नए सेकंड में आपके पास केजी की वैल्यू तो है ना, केजी की वैल्यू यहां पर आपके पास अल्फा केजी केजी डैश के बराबर है, तो मैं 1 केजी को कितना लिख सकता हूं, 1 केजी को लिख सकता हूं केजी डैश अपॉन अल्फा, ठीक है। तो यहां पर आपको नए सिस्टम में 1 कैलोरी की वैल्यू देनी है, समझे इस क्वेश्चन को, कि आपका जो नया सिस्टम है जिसमें आप लोग ये मेजरमेंट इस तरह से कर रहे हैं उसमें 1 कैलोरी कितना रहेगा। तो नए सिस्टम में ये तो रहा 4.2, तो 4.2 पर नए सिस्टम में आपको वैल्यूज रिप्लेस करनी है, तो केजी की जगह पर आप क्या रखोगे, यहां पर केजी की जगह पर हमारे पास यहां से अगर अपन केजी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो केजी क्या हो जाएगी, केजी डैश अपॉन अपना हो जाएगा अल्फा। क्या बात समझ में आई, ठीक है। तो ये तो पुराने सिस्टम की वैल्यूज है, नया सिस्टम में अपने वो जाना है तो इस पुराने सिस्टम वाले पैरामीटर की अपने को यहां पर नए सिस्टम की टर्म्स में वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये हो जाएगा अपना कितना, केजी डैश अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा। उसी तरह से मीटर के लिए मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, मीटर डैश अपॉन कितना हो जाएगा अपना, बीटा। और उसी तरह से मैं सेकंड के लिए लिखना चाहूं तो सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड अपॉन, सेकंड डैश अपॉन कितना हो जाएगा, गामा। ये सिंपल यहां से बनाया हुआ है कि मीटर क्या हो जाएगा, मीटर डैश अपॉन कितना हो जाएगा अपना, बीटा, और ये सेकंड हो जाएगा अपने पास सेकंड डैश अपॉन गामा, ठीक है। तो बस इसको अरेंज कर देते हैं, पावर यहां पर जो चल रही है इसकी स्क्वायर है और इसकी माइनस टू है, तो ये नए सिस्टम को तो इधर ले लेते हैं और आपके पास क्या बच जाएगा, 4.2 वन अपॉन अल्फा, ये बन जाएगा वन अपॉन बीटा का स्क्वायर, और यहां पर ये वन अपॉन गामा है, पावर माइनस टू है, तो ये गामा तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। गामा जब ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर, इस तरह से। और आपका नया सिस्टम केजी डैश मीटर डैश का होल स्क्वायर और सेकंड डैश की पावर माइनस टू, ये नए सिस्टम में आप लोगों ने अपनी कैलोरी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, क्या क्या हो जाएगी। अब अगर अपन इसको देखें तो दिस इज अल्फा पावर माइनस वन, बीटा पावर माइनस टू और गामा पावर टू, ठीक है। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 कैलोरी की नए सिस्टम में वैल्यू 4.2 अल्फा पावर माइनस वन, बीटा पावर माइनस टू और गामा पावर टू। 4.2 अल्फा पावर माइनस वन, बीटा पावर माइनस टू, गामा पावर टू। एक बढ़िया क्वेश्चन का आंसर अपन ने फाइंड किया, दैट विल बी 1 कैलोरी इन अवर न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स वेयर सिस्टम पैरामीटर्स आर मेजर्ड इन दिस वे। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं। इन द रिलेशन वाई इजिकल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर के विल बी, के का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोग को कैलकुलेट करना है। देखो, एक तो हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा जो भी होते हैं वो हमारे पास क्या रहते हैं, डायमेंशनल लेस पैरामीटर है, क्योंकि ये लेंथ अपॉन लेंथ होते हैं भाई। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लेंथ अपॉन लेंथ है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो सारे डायमेंशन लेस रहते हैं। इनमें लिखा जाता है एंगल, और एंगल एक सप्लीमेंट्री यूनिट है जिसकी डायमेंशन होती है एम जीरो एल जीरो टी जीरो। कहने का मतलब ये जो भी चीज लिखी हुई है, ये एक ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो एक तरह से एंगल है, और इस टर्म क्योंकि ये टर्म आपकी डायमेंशन लेस है, एंगल डायमेंशन लेस रहता है अपन जानते हैं, ये टर्म डायमेंशन लेस है, इन दोनों से मिलके ये बन रहा है, यानी कि ये दोनों भी डायमेंशन लेस होने चाहिए, सेम डायमेंशन वाली चीजें ऐड होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपके पास के एक्स जो रहेगा वो एक डायमेंशन लेस पैरामीटर रहेगा। डायमेंशन लेस पैरामीटर को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको मैं वन से लिख सकता हूं, दैट दिस विल बी डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस का मतलब इस पर लगाएंगे एम जीरो एल जीरो टी जीरो, पावर सारी जीरो है, तो मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, वन लिख सकता हूँ। तो के एक्स की डायमेंशन वन, या के की डायमेंशन अगर कैलकुलेट करनी है तो दिस विल बी वन अपॉन डायमेंशन ऑफ एक्स। तो डायमेंशन ऑफ एक्स अगर अपन बोले तो ये लेंथ है, ठीक है, तो वन अपॉन एल, या इसको मैं लिख सकता हूँ एल माइनस वन। एल माइनस वन चलते हैं, एल माइनस वन ऑप्शन नंबर अपना हो गया थ्री, 35 का आंसर रहेगा अपना थ्री। देन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। द डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होती है। तो गैस कांस्टेंट के लिए अपने को चलना पड़ेगा गैस इक्वेशन पर। हम लोग जानते हैं दैट आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, पीवी इजिकल्स टू एन आर टी। पीवी प्रेशर इंटू वॉल्यूम, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V, यानी कि P इनटू V जो है वो हमेशा वर्क या एनर्जी की डायमेंशन प्रोड्यूस करता है, यानी कि P V की डायमेंशन अगर मैं बोलूं तो ये रहेगा एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, M1 L2 T-2, ये है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसकी जो यूनिट रहती है वो मोल रहती है। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, मोल। ये अपने पास आर है जिसकी डायमेंशन अपने को कैलकुलेट करनी है, और टी जो होता है उसको उसकी डायमेंशन क्या होती है, या तो केल्विन बोल देते हैं या इसको अपन थीटा से भी लिखते हैं। ठीक है, अपने को थीटा में लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर थीटा लिख रहा हूँ। तो आर के लिए अगर अपन चलते हैं तो आर के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ आर दैट विल बी m1l2t-2 अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास मोल इंटू क्या हो जाएगा थीटा। या मैं इनको शिफ्ट करूं तो हमारे पास m1l2t-2 ये हो जाएगा हमारे पास थीटा माइनस वन मोल माइनस वन, डायमेंशन ऑफ यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। ठीक है, m1l2t-2 थीटा माइनस वन मोल माइनस वन, गुड इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोल हम लोग जानते हैं, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी कौन है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़ते हैं हम लोग आगे। डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये बहुत ही ज्यादा, ये सारे क्वेश्चन अपने आपने अपना अलग अस्तित्व रखते हैं भौतिक विज्ञान में, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इसके लिए सबसे आसान फॉर्मूला आप लोग यूज करें तो हम लोग स्टॉक्स लॉ जानते हैं, दैट एफ इजिकल्स टू होता है 6 पाई नीटा आर वी। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जब किसी लिक्विड में गिरता है तो उस पर लगने वाला जो विस्कस फोर्स रहता है उसका फॉर्मूला है ये, जबकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर स्पेरिकल हो। 6 पाई अगर अपन डायमेंशन की टर्म में बात करें तो ये फोर्स डायमेंशन 6 पाई डायमेंशन लेस रहेगा। नीटा की डायमेंशन अपने को पता करनी है, आर रेडियस है, वी अपने पास क्या है वेलोसिटी है। ठीक है, नीटा दैट विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास डायमेंशन ऑफ आर इनटू डायमेंशन ऑफ वी, वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास m1l1t-2 अपॉन आर l1, ये हो जाएगा हमारे पास l1t वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा माइनस वन। एक l से एक l कैंसिल, शिफ्ट करें चीजों को ऊपर तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना m1l ऊपर गया माइनस वन, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर टी कितना बन जाएगा माइनस टू प्लस वन यानी कि माइनस वन, m1l-1t-1 एक बढ़िया आंसर t-1। ठीक है, बराबर सही किया मैंने, ओके वेरी गुड, बढ़ते हैं हम लोग आगे। द डायमेंशन ऑफ हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर इज, ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, जहां पर अपने को हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, जहां पर एप्सिलॉन जीरो मुक्त आकाश की वैद्युतशीलता है और ई जो है वो क्या है अपना वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर मैं सीधा आपको कंक्लूजन पर अगर ले जाऊं तो 1/2 एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी होती है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र के प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा या एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं, और ये जो है हमारे पास ऊर्जा घनत्व का समीकरण है। ऊर्जा घनत्व इस चीज को अपन, ये जो एनर्जी डेंसिटी है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक प्रेशर भी बोलते हैं, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर को हम लोग स्थिर विद्युत दाब भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेशर भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता चुका हूं कि ये इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेशर है, यानी कि ये एक टाइप का प्रेशर की डायमेंशन रखने वाली पैरामीटर रहेगा। आप भले एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को सॉल्व करो या फिर आप प्रेशर की डायमेंशन यहां पर सीधी सीधी पुट कर दो, हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर जो रहेगा उसकी जो डायमेंशन रहेगी वो प्रेशर की डायमेंशन के बराबर रहेगी। प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया एम वन एल, एरिया ऊपर गया तो ये हो जाएगा हमारे पास एल माइनस वन टी माइनस टू प्रेशर। ठीक है, एम वन एल वन टी माइनस टू होना था, एरिया नीचे था, टू पावर ऊपर आई माइनस टू। ठीक है, तो एडजस्ट करके हमारे पास ये आंसर बनेगा m1l-1 t-2 ऑप्शन नंबर 3। एक बढ़िया क्वेश्चन, बढ़ते हम लोग आगे। इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स फोर्स एक्सेलरेशन एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी।
ठीक है, अभी ऐसा एक क्वेश्चन सॉल्व किया था आपको, अब जो बोला हुआ है फोर्स एक्सेलरेशन और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसिडर करना है। द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एनर्जी विल बी, एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अपना क्या रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं, मैं लिख देता हूं एनर्जी को, जिस जिस में अपने को रिप्रेजेंट करना है उसको अपन क्या कर देते हैं, फोर्स में रिप्रेजेंट करना है, एक्सेलरेशन में रिप्रेजेंट करना है और अपने को टाइम में रिप्रेजेंट करना है। तो फोर्स की पावर x, एक्सेलरेशन टू द पावर y और टाइम की पावर z, एनर्जी की डायमेंशन m1 l2 t minus 2, ठीक है। इधर फोर्स की डायमेंशन m1 l1 t minus 2 टू द पावर कितना हो जाएगा तुम्हारा x, ये क्या है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है l1 t minus 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो l1 t minus 2 पावर हो जाएगी हमारे पास y और इधर बन जाएगा तुम्हारे पास कितना क्या है टाइम, टाइम क्या होता है टी, टी की पावर कितनी हो गई तुम्हारे पास z, ठीक है। फिर से आप लोग को कुछ नहीं करना है, वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है। m के लिए अगर अपन कलेक्शन करते हैं तो m कहां कहां आ रहा है, m m नहीं आ रहा है तो m टू द पावर x, l को कलेक्ट करें तो l x में आ रहा है, l प्लस y में आ रहा है और l इधर नहीं आ रहा है, और t को अगर देखें तो ये माइनस टू एक्स हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा माइनस टू वाई हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा जेड, इधर चल रहा है तुम्हारे पास m1 l2 t minus 2, comparing both the sides, power को compare करेंगे और values calculate करेंगे, तो x की value तो मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं कि x की value कितनी है, x है, दूसरी x plus y equals to हमारे पास क्या रहेगा 2 है, तो यहां से y की value x को इधर transfer करेंगे तो वो भी कितनी हो जाएगी 1, इसी तरह से आप z की value calculate करोगे तो z की value आपके पास आएगी 2, ठीक है। तो x, y और z की value हमारे पास बन चुकी है, तो ये रहेगा f की पावर 1, एक्सेलरेशन टू द पावर y क्या बन रहा है अपना 1 बन रहा है, और इसको जब अपन यहां से सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू 2 है तो t की पावर कितना हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, यानी कि f a t स्क्वायर, यही लिखा हुआ है यार, तो इसका आंसर हमारे पास क्या बनेगा f a t स्क्वायर, एनर्जी की डायमेंशन फॉर द गिवन न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका सिंपल है, अपन ने अभी देखा सिंपल सा आसानी से सॉल्व हो गया, थोड़ी सी इक्वेशन कभी कभी सॉल्व करनी पड़ सकती है डाइमेंशंस में। चलते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 40, इफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, एक स्फीयर की रेडियस में जो एरर अपने पास कंसिडर हो रही है, होने वाली है, वो कितनी है 2% है, ठीक है। देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, तो उसके जो आयतन है उसमें जो त्रुटि होनी है वो कितनी होगी, हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो है वो रेडियस की ट्रिपल या थर्ड पावर के प्रोपोर्शनल रहेगा, तो यहां पर अगर मैं एरर अप्लाई करूं तो डेल्टा वी अपॉन वी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर, सिंपल। अपने को गिवन है कि डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू जो है 2% है, यानी कि आपको डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 परसेंटेज एरर गिवन है, आपको एक्चुअली ये गिवन है डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू 2/100 गिवन है, तो मैं 100 को उधर कर रहा हूं और आपके आर में होने वाली परसेंटेज एरर, आर में होने वाली परसेंटेज एरर को क्या लिखेंगे डेल्टा आर अपॉन आर इनटू 100, ये आपको गिवन है 2, ठीक है। तो यहां पर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, डेल्टा वी अपॉन वी इनटू 100 दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर इनटू क्या है हमारे पास, ये हो गया 100, तो ये हो गया हमारे पास आर में होने वाली परसेंटेज एरर और ये हो जाएगी तुम्हारे पास वॉल्यूम में होने वाली या आयतन में होने वाली परसेंटेज एरर, ठीक है। बस ये 3 है और इसकी वैल्यू आपको 2 दे रखी है, हम लोग यहां पर भी रख सकते थे पर मैं थोड़ा क्लियर कर दिया कि यहां पर एक्चुअली वैल्यूज जो परसेंटेज वैल्यू ली है वो आपके पास ये 2 जो है ये डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 6%, ये परसेंट है, ठीक है, तो 6% हमारे पास आंसर बन गया, आंसर नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग आगे, the resistance R is equal to V upon I, good, where V is this value and I is this, what is the total error in R? अपने पास प्रतिरोध का formula given है और voltage और current की values given है और आपको ये पूछा हुआ है कि प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि कितनी होनी है, ठीक है। इस formula को अगर अपन देखें तो इस पर मैं error apply करूं तो हम लोग जानते हैं कि error जो है वो हमेशा क्या रहती है, additive रहती है, एक, और दूसरा यहां पर आपके पास क्या रहेगी, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वाला फॉर्मेट है, कहने का मतलब यहां पर जो रिलेटिव एरर्स रहेगी उनका सम होगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होता है क्वांटिटीज की रिलेटिव एरर्स का सम होता है, कहने का मतलब मैं अगर r में होने वाली एरर लिखना चाहता हूं कि डेल्टा r अपॉन r दैट विल बी इक्वल्स टू, ये लिखूंगा डेल्टा v अपॉन v
और एरर ऐड होती है, कहने का मतलब ऐड करके डेल्टा आई अपॉन आई, ये हमारे पास सिचुएशन रहेगी। ठीक है, ये रिलेटिव एरर कहलाती है, रिलेटिव एरर। और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या कहलाएगी, परसेंटेज एरर कहलाएगी। तो आर में होने वाली आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है। तो अभी चलते हैं डेल्टा वी, डेल्टा वी तुम्हारे पास कितना है, दैट इज 0.5। वी कितना है तुम्हारे पास, 10, प्लस डेल्टा आई कितना है तुम्हारे पास, 0.2 अपॉन, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 10। ये तुम्हारे पास हो चुकी है डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू। पर आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द टोटल एरर इन आर, और आंसर्स में परसेंटेज में दिया हुआ है, यानी कि आपको परसेंटेज एरर कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपको डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं सब इनमें क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ। इधर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर बनेगा 50 बटा बनेगा 10, प्लस ये बनेगा 20 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 और 2 7%। डन, सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, दैट इज 7%। क्वेश्चन नंबर 41, आंसर नंबर 2। गुड, बढ़ते हैं हम लोग आगे। The time period of oscillation of a simple pendulum in experiment is recorded as, these are some values given. हमें एक सरल उलक प्रयोग में आवर्तकाल के कुछ पाठ्यांक दिए हुए हैं, ठीक है? The average absolute error is, आपको माध्य निरपेक्ष त्रुटि और average absolute error की वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब उसके लिए पैटर्न क्या होगा, पहले तो अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, ये अपने पास टाइम पीरियड की वैल्यूज दी हुई है, तो पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टी मीन। टी मीन क्या होता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 अपॉन क्या हो जाएगा हमने पास 5। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज हमने को गिवन है, ठीक है? तो इन वैल्यूज को अपन यहां पर पुट करके सॉल्व करेंगे, तो टी मीन इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ये जो मीन वैल्यू आएगी इसको अपन बोलेंगे ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड या आवर्तकाल का वास्तविक मान। सॉल्व करने पर यहाँ पर वैल्यूज को अगर अपन रख के सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आएगी 2.62 सेकेंड, ये वैल्यू हमारे पास बनती है, ठीक है? ये आपके पास हो जाएगी टाइम पीरियड की ट्रू वैल्यू। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये एवरेज का मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर अपने को कैलकुलेट करनी है। कहने का मतलब आपके हर जो रीडिंग है या हर जो मेजरमेंट है पहले उसमें एरर कितनी है वो देखो। तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा T1, डेल्टा T1 का मतलब पहला जो मेजरमेंट है उसमें एरर कितनी है, यानी कि इसका और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस, इसका और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.62 है ये, 0.63 है, तो ये हो जाएगा 0.01। उसी तरह से दूसरे का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दूसरे के लिए कितना हो जाएगा, 5.6 है और ये 6.2 है, तो ये कितना हो जाएगा 0.0। प्लस माइनस मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, एरर्स हमेशा ऐड होती है, एडिटिव नेचर रहेगी इनकी, सबट्रैक्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक एरर कर दी दूसरी एरर कर दी तो दोनों एरर एक दूसरे को कम कर देती है, ऐसा नहीं होगा, दोनों एरर एरर है, दोनों एरर ऐड होगी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसके साथ इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखेंगे तो 2.62, तो ये बनेगा मेरे पास 0.06। उसी तरह से 6 ही रहेगा, 6, हाँ। डेल्टा T3 की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 0.42 है, ये 62 है, तो ये बनेगा 0.20। डेल्टा T4 इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर डिफरेंस ये 71 है, ये 62 है, एरर 0. इसमें मैं 0.09। और डेल्टा T5 की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा T5 ये 80 है, ये 62 है, तो 62 80 कितना हो जाएगा, 0.18। तो ये हमारे पास हर मेजरमेंट में होने वाली एरर आ गई है। अब आपको कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हर मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर है। अब आपको कैलकुलेट करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो डेल्टा टी मीन जो होता है वो इन सब का सम, कहने का मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा डेल्टा टी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है? तो इन सबको ऐड करो और उसमें अपन क्या करेंगे, डेल्टा टी मीन इन सबको ऐड करेंगे और उसमें अपन क्या करेंगे, 5 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितने हैं, 5, तो उसका आंसर हमारे पास बनेगा 0.11। दिस विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर इन टाइम पीरियड। इस वैल्यू को आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पर आप लोग ध्यान रखें, आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखना है। ये मेजरमेंट भी आप अगर कर रहे हैं तो क्योंकि आपका मेजरमेंट यहां पर 2 डेसिमल के 2 पॉइंट्स तक हुआ है,
तो ये मेजरमेंट भी हमारे पास डेसिमल या ये जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो भी डेसिमल के दो प्लेसेस तक ही होनी चाहिए। अगर आपके पास आगे डेसिमल प्लेसेस बन रहे हैं तो आप उस पर सिग्निफिकेंट अप्लाई करके, सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल अप्लाई करके इनको क्या करोगे, दो डेसिमल प्लेसेस तक चेंज करोगे। फिर से यहां पर भी ये एरर जो क्रिएट हो रही है डेसिमल के दो प्लेसेस तक है, तो ये वाला जो एरर होना चाहिए ये भी डेसिमल के दो प्लेसेस तक होना चाहिए। ठीक है, आप तीन प्लेसेस तक नहीं दे सकते क्योंकि यहां तक तो आपके इंस्ट्रूमेंट ने मेजर ही नहीं किया है। ठीक है, तो दिस इज वन गुड क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है, कैलकुलेशन इसमें है, बट ये दिस इज वन एनलाइटिंग क्वेश्चन, हमें इसको चीजों के बारे में जानने का मौका मिलता है ऐसे क्वेश्चन से। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड टाइम पीरियड, एल और टी में अपने को एरर दी हुई है, ठीक है, ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2% एंड 1% रेस्पेक्टिवली, ओके, देन द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मेजरमेंट में कितनी एरर होगी। आपको लेंथ की एरर दी हुई है, टाइम की एरर दी हुई है, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम के लिए टी या टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई अंडर रूट हमारे पास रहता है एल अपॉन जी। ठीक है, तो पहले तो अपन जी को इन दोनों की टर्म्स में, टी और एल की टर्म में एक्सप्रेस करें, तो स्क्वायर कर लेता हूं, टी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एल अपॉन जी, या मैं अगर यूं देखूं तो जी विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, लगा देते हैं परसेंटेज एरर, सीधा परसेंटेज एरर, तो अपने पास क्या हो जाएगा डेल्टा जी अपॉन जी, ठीक है, विल बी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, इसमें कोई एरर नहीं, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास डेल्टा एल अपॉन एल प्लस पावर, पावर हमेशा आगे आ जाएगी, तो दिस विल बी डेल्टा टी अपॉन क्या हो जाएगा अपना टी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं सीधा, मैं मान रहा हूं कि हम लोगों ने 100 का सब जगह मल्टीप्लिकेशन कर रखा है और अपन परसेंटेज एरर की टर्म में सॉल्व कर रहे हैं, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1, लेंथ में अपने को लेंथ पहले लिखा है, लेंथ में 2 और टाइम में 1 है, ठीक है, तो बस ये अपने पास हो गया 2 और 2 4%। आंसर सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, 4% हमारा इसका कंक्लूजन रहेगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। द रेस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर द नंबर्स दीज आर, इनमें अपने को सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं कितने कितने हैं। देखो नॉन जीरो नंबर्स, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट, दो सिग्निफिकेंट के बीच में जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें तो हो गए 5, ठीक है, ये सारे जीरोज है, आगे के जीरोज है नॉन सिग्निफिकेंट, तो ये कितना है अपने पास, केवल इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। 10^3 वाले जीरो नॉन सिग्निफिकेंट, तो अपने पास ये हो जाएगा कितना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, 5, 1, 2, सिंपल 5, 1, 2। बढ़ते हैं हम लोग आगे। द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द इक्वेशन दिस वेयर पी इज प्रेशर, एक्स इज डिस्टेंस एंड टी इज टाइम, जो दिया गया समीकरण है उसमें आप लोग को ए अपॉन बी की विमा ज्ञात करनी है, ए अपॉन बी की विमा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अपन चलते हैं, क्या करेंगे, देखो ये अपने पास ए है और टी अपने को टाइम बोला हुआ है, ठीक है, तो ए जो है वो टी स्क्वायर के साथ में एड या सब्ट्रैक हो रहा है, जब ए इस वाली क्वांटिटी के साथ एड सब्ट्रैक हो रहा है, कहने का मतलब ए भी उसी नेचर का है, तो कहने का मतलब मैं अगर ए की डायमेंशन लिखना चाहूं तो वो टी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल रहेगी, या ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास t^2, ये ए की डायमेंशन हो गई। अब अपने को ये पता है कि यहां पर जो भी रिजल्ट बनेगा, ठीक है, 5 किलो में से 2 किलो बाकी निकालेंगे तो अपने को कितना मिलेगा, 3 किलो मिलेगा, कहने का मतलब ये में से ये निकालेंगे तो भी जो भी आएगा वो टी स्क्वायर की टर्म में ही आएगा, कहने का मतलब यहां पर मैं देख सकता हूं कि प्रेशर की डायमेंशन अगर बोले तो यहां पर ऊपर डायमेंशन क्या बनेगी, टी स्क्वायर की, नीचे अपने पास कितना चल रहा है, ये बी चल रहा है, एक्स क्या है अपने पास, डिस्टेंस है, यानी कि एक्स रहना है लेंथ में, ठीक है, तो चलते हैं फिर से अपन आगे चले, तो हमारे पास बी को मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये जे नहीं है, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा मेरे पास कितना, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन m1 L-1, ये हो जाएगा मेरे पास T-2, प्रेशर की डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना L1, ठीक है, तो ये L-1 है, ये L1 है, कैंसिल हो गया, ऊपर शिफ्ट करते हैं तो B की डायमेंशन आपके पास बनेगी M-1 T-2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना T^2,
फोर एम माइनस वन और टी टू द पावर कितना हो जाएगा फोर। तो ये अपने पास किसकी डायमेंशन आ चुकी है, बी की डायमेंशन आ चुकी है। आपको बताना है ए अपॉन बी की डायमेंशन। तो चल देते हैं अपन ए अपॉन बी पर। ए अपॉन बी, ए चल गया तुम्हारे पास, ए किधर है ए बताएं। ये रहा तुम्हारा टी स्क्वायर अपॉन बी, बी रहा अपना पास ये एम माइनस वन एल, चल सॉरी ये एल नहीं है, ये अपना क्या है, ये है मेरे पास टी फोर। एडजस्ट करते हैं एम ऊपर तो एम, और ये बन जाएगा टी माइनस फोर। तो यहां पर जाएगा प्लस का टू माइनस का फोर, तो ये हो जाएगा माइनस का टू, एम टी माइनस टू। देखें ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन नंबर वन। सिंपल, जानने के लिए मौका मिलता है ऐसे क्वेश्चंस में कि किस तरह से आप लोग यहां पर जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी डायमेंशंस देख सकते हैं। ठीक है, आप इन चीजों के लिए हमारी गुरुनीति भी देख सकते हैं। गुरुनीति में भी हम लोगों ने अलग अलग टॉपिक्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से हम लोगों ने सॉल्व करके रखे। आप लोग प्लीज विजिट करें और अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 46। द प्रेशर ऑन ए स्क्वायर प्लेट इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द फोर्स। ठीक है, प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं अपन और फोर्स ऑन द प्लेट, फोर्स से कैलकुलेट कर रहे हैं एंड द लेंथ ऑन द साइड ऑफ द प्लेट्स। तो लेंथ में भी अपन एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स एंड लेंथ, फोर्स और लेंथ में होने वाली एरर अपने को गिवन है, तो प्रेशर में होने वाली एरर अपने को कैलकुलेट करनी है। अपन जानते हैं प्रेशर क्या होता है, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स स्क्वायर प्लेट है तो मैं इसको लिख सकता हूं एल स्क्वायर। ठीक है, तो सिंपल चलते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस ये हो जाएगा टू डेल्टा एल अपॉन अपना क्या लग जाएगा एल लग जाएगा। चलो साहब वैल्यू लगाएं, फोर्स में होने वाली एरर, फोर्स में होने वाली एरर आपको दी हुई है 4%, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 4 प्लस 2। लेंथ में होने वाली एरर, लेंथ में होने वाली एरर कितनी दी हुई है अपने को 2%, तो ये हो गया 2, 4 प्लस 2 इंटू 2, ठीक है ये हो जाएगा अपने पास 8%। 8% विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। ठीक है, आंसर रहेगा अपने पास 4। बढ़िया, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ एंड 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 200 मीटर अपवर्ड्स, देन द नेट डिस्प्लेसमेंट इज अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एक एरोप्लेन पहले 400 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, चलो साहब 400 मीटर नॉर्थ, ठीक है, फिर 300 मीटर साउथ में आ गया, तो वापस यहां पर ये आ गया 300 मीटर, तो इफेक्टिवली अभी पहले और दूसरे स्टेटमेंट का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो तो इधर की तरफ कितना हो गया, सो ही हो गया क्योंकि ये यहां पर आ चुका है। ठीक है, और अब ये यहां से 1200 मीटर अपवर्ड डायरेक्शन में चला गया, किधर चला गया अपने पास अपवर्ड डायरेक्शन में ये 1200 मीटर चला गया। ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिवली जो यहां पर ट्राइंगल बनना है वो ट्राइंगल इस तरह से है, मैं साइड व्यू प्लॉट कर रहा हूं, साइड व्यू का मतलब होता है मैं इधर से ये वाली लेंथ आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा, तो सो तो ये रहा, ठीक है, और ये ऊपर वाली लेंथ 1200 है जिसको मैं इधर दिखा रहा हूं, ये रहा तुम्हारे पास 1200। तो इन दोनों पर अपना इनिशियल पॉइंट से रिजल्टेंट कितना रहेगा, रिजल्टेंट ये रहेगा, तो रिजल्टेंट डिस्टेंस अगर x बोल देता हूं तो x क्या लगाओगे तुम, x विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसको अगर मैं बाहर करना चाहूं तो मैं ये 100 को तो बाहर ले ही लेता हूं, 100 बाहर आएगा तो यहां पर कितना बन जाएगा 12 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, 144 है और ये 1 है, 145, तो 100 अंडर रूट 145। ठीक है, तो ये आप 145 है, आप इस 1 को इस 144 के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास जो सारी वैल्यूज है वो सारी दूर दूर दे रखी है, 1200, 1300, 1400, 1500। ठीक है, तो इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर आप चेक करते हैं तो इसकी वैल्यू तो अप्रोक्सीमेटली 1200 ही हो गई है क्योंकि इस 12 स्क्वायर 144 के कंपैरिजन में ये 1 आप नेग्लेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट बोला है और अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन में कभी भी आपको ऑप्शन पास पास में नहीं होंगे, आप डायरेक्ट उनको कैलकुलेट करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं। तो अपना आंसर क्या रहेगा इसका, दैट विल बी 1200 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली बनती है 1204। ठीक है, तो ये इसके इक्वल रहेगा। देन बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
a cyclist starts from the center of the circular park of radius of 1 kilometer, reaches to the edge P, अच्छा ये O से शुरू करता है और P पर पहुंचता है, ठीक है, then cycle along the circumference इधर जाता है and returns to the center along OQ, as shown in the figure, ठीक है, okay. If the round trip takes 10 minutes, अगर आपको round trip में 10 minutes लग रहे हैं, then the net displacement तो zero ही हो गया, ये यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पर गया और यहाँ से वापस यहाँ आ गया, तो net displacement तो zero, displacement zero, एक answer तो तैयार है साहब, option number 1 और 4 ही रहे अपने पास, ठीक है, आगे, the average speed of the cyclist in kilometer per hour, ठीक है, displacement आपको देना है किसमें, displacement अपने को मीटर में देना है, तो ठीक है, मीटर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है, और हमारे पास यहाँ पर एवरेज स्पीड देनी है किलोमीटर पर आर में, किलोमीटर पर आर में तो जो पहले आपको मिनट में दे रखा है उसको आप पर आर में कन्वर्ट कर लो ताकि आगे गलती नहीं हो, तो 10 मिनट दिए हुए हैं अपने को यहाँ पर टाइम, तो इस 10 मिनट को मैं पर आर में कैलकुलेट करूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1/6 आवर्स, भाई 10/60 1/6 आवर्स हो जाएंगे, एक दूसरा अपने पास वी एवरेज अगर अपने को कैलकुलेट करना है तो देखते हैं अपने को अगर वी एवरेज कैलकुलेट करना है तो ये आर हो गया, ये अपने पास आर हो गया और ये होता है 2πr, ये उसका फोर्थ सेक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा πr/2, कैसे पूरी सर्किल होती तो 2πr और ये 2πr का कितना है 1/4 सेक्शन है, तो 2πr/4 कितना हो जाएगा πr/2, ठीक है, वी एवरेज क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही, टोटल डिस्टेंस आर और आर 2r + πr/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2r + πr/2 अपना हो जाएगा 2 / टोटल टाइम, टोटल टाइम आप देखेंगे अभी अपन ने बोला टोटल टाइम कितना है 1/6, ठीक है, सिंपल कैलकुलेट कर लेते हैं वैल्यूज को, यहां पर चलते हैं तो वी एवरेज हमारे पास बनता है वी एवरेज दैट विल बी इक्वल टू, इस 6 को मैं ऊपर भेज देता हूं तो यहां पर मल्टीप्लाई होगा, तो एक तो बनेगा तुम्हारे पास 12r + इसको ऊपर भेजूंगा तो ये 2 से 6 कैंसिल होगा तो यहां पर बनेगा 3πr, अब मैं r की वैल्यू पुट करता हूं, r की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज रेडियस इज 1 किलोमीटर, ठीक है, तो वैल्यू उसको पुट करते हैं, ये 1 किलोमीटर हो गया, ये भी 1 किलोमीटर हो गया, तो अपने पास v एवरेज जो बनेगा 12 + 3π, 12 + 3π का मतलब है 12 + 3 × 3 × 3.14, तो ये 9 point something आएगा, 9.4 के आसपास है, तो 12 + 9.4 हमारे पास बनेगा 21.4, आंसर देखेंगे 21.4, ये रहा हमारे पास आंसर, एक बढ़िया क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेशन और थोड़े से दिमाग की तो खैर आवश्यकता पड़ती है, चलते हैं हम लोग, बढ़िया कैलकुलेशन हम लोगों ने करके देखी, एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि हमारे पास एवरेज क्या रहेगा, ये 9.4 बन जाएगा, 9.4 बनेगा तो उसको इसके साथ में ऐड करेंगे तो 21.4 बनेगा, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, कैट मूव्स टू एक्स टू वाई विद यूनिफॉर्म स्पीड वी यू एंड रिटर्न्स टू एक्स, ठीक है, विद यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, एक कैट एक्स से वाई जा रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड वी यू और वापस एक्स पर आ रही है विद यूनिफॉर्म स्पीड वी डी, the average speed of the round trip is, इस पूरे ट्रिप में आपको यहां पर average speed calculate करनी है, चलते हैं डायग्राम बना लेते हैं, पहले तो ये रहा अपने पास x, यहां से less से ये d distance है, अपन जा रहे हैं y पर, ठीक है, तो हम लोग average speed क्या बोलते हैं, average speed जाते time में अपने पास speed कितनी है v u बोला है और आते time अपने पास कितना है v d है, ठीक है, तो v average होता है हमारे पास total distance जाना d और वापस आना d, तो ये हो जाएगा d + d 2d / टोटल टाइम, टोटल टाइम अगर लेस से जाने में टाइम लग रहा है t1 और आने में टाइम लग रहा है अपने पास t2, तो मैं लिख सकता हूं दिस विल बी t1 + t2, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बढ़ते हैं हम लोग आगे, ये बनेगा मेरे पास कितना 2d, t1 की वैल्यू जाने में आपकी स्पीड vu है और ये अपने पास d है, तो टाइम कितना लगा सकता हूं मैं d/vu प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास आने में वापस डिस्टेंस d ही है और स्पीड कितनी है vd है, तो ये कितना हो जाएगा d/vd, d कॉमन d कैंसिल, हमारे पास टर्म बनेगी 2/1/vu + कितना हो जाएगा 1/vd,
एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, ऊपर भेजेंगे, हमारे पास एवरेज स्पीड बनेगी ट्वाइस ऑफ वी यू वी डी अपॉन वी यू प्लस वी डी, वी यू प्लस वी डी। सॉल्व करते हैं तो अपना ऑप्शन जो रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर वन। एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन, ये काफी जगह पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट, इफ ए कार कवर्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड वी वन, ओके, एंड 3/5 ऑफ डिस्टेंस विद वी टू, ठीक है, देन द एवरेज स्पीड इज, आपको उस पाथ के लिए एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो चले समझते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने पास टोटल डिस्टेंस बोल दी मैंने, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई d, इसका 2/5 पोर्शन, 2/5 पोर्शन को क्या बोलूंगा मैं, ये लो साहब ये इसका 2/5 पोर्शन हो गया, तो 2/5 पोर्शन हो जाएगा 2/5 ऑफ d, और बाकी बचा हुआ 3/5 पोर्शन है तो हो जाएगा 3/5 ऑफ d, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है अपन कवर कर रहे हैं किससे, इसको अपन कवर कर रहे हैं v1 से, और इसको कवर कर रहे हैं अपन कितने से, v2 से। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। तो आपको यहां पर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड अभी जैसा क्वेश्चन सॉल्व किया वैसा का वैसा कॉन्सेप्ट है, अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या होगा, वी एवरेज अपना क्या होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी अपने पास डी, अपॉन टोटल टाइम, लेस से यहां पर टाइम t1 लग रहा है और यहां पर टाइम अपना क्या लग रहा है t2 लग रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या हो जाएगा, वी एवरेज दैट इज t1 अपॉन t1 प्लस t2। अब इस t1 की वैल्यू मेरे को कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास t1 अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास यहां की डिस्टेंस है और यहां की स्पीड है, डिस्टेंस और स्पीड है तो वहां का टाइम निकाल सकता हूं मैं, वो कैसा रह जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट विल बी इक्वल टू टाइम, तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2d अपॉन 5 अपॉन कितना आएगा v1 आएगा, तो मैं 5 के साथ लिख देता हूं v1, ये रहेगा। उसी तरह से t2 की वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो यहां की डिस्टेंस कितनी है, 3d अपॉन अपने पास 5 और अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारे पास v2, डन, ठीक है। तो अपने पास दोनों सेक्शंस के टाइम्स की वैल्यूज आ गई है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वो तो अपने को करनी ही है। ये हो जाएगा अपने पास d, इधर हो जाएगा तुम्हारे पास 2d अपॉन कितना हो जाएगा 5 v1 प्लस ये हो जाएगा मेरे पास कितना 3d अपॉन कितना हो जाएगा 5 v2, ठीक है। d यहां से कॉमन जाएगा, d से d कैंसिल, तो ये तीनों d अपने क्या हो गए, गायब, ठीक है। यहां पर अपन क्या करते हैं, ऊपर हो गया 1, यहां पर बनेगा 2 अपॉन 5v1 प्लस ये बन जाएगा 3 अपॉन 5v2, ठीक है। तो मैं 5v1 v2 यहां पर क्या कर लेता हूं, एलसीएम ले लेता हूं, तो 1 अपॉन ये गया एलसीएम तुम्हारा 5v1 v2, ठीक है, इसको यहां पर डिवाइड करूंगा तो यहां से बचेगा तुम्हारे पास v2, तो लगेगा ये 2v2 प्लस इधर बचेगा 3v1, शिफ्ट करेंगे तो अपने पास आंसर बनेगा 5v1 v2 अपॉन कितना हो जाएगा 2v2 प्लस कितना बन जाएगा 3v1, 5v1 v2 2v2 प्लस 3v1 या इसको 3v1 प्लस 2v2, देखें 5v1 v2 3v1 प्लस 2v2, 3v1 प्लस 2v2, एक बढ़िया क्वेश्चन, एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन, और हमारे पास आंसर आता है आंसर नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 अर्धशतक अपन ने पूरा कर लिया है, चलते हैं बाकी बचे हुए खेल पर। पार्टिकल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इट चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 20 मीटर पर सेकंड व्हाइल पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 135 मीटर्स, 135 मीटर डिस्टेंस चलने पर इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर से 20 मीटर हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर वैल्यू ऑफ टी क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती है डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाली, s इक्वल्स टू होता है आपके पास u प्लस v अपॉन 2 इनटू क्या होता है t, जबकि पार्टिकल किस में मूव कर रहा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा हो, जो अपनी सारी इक्वेशन ऑफ मोशन है जो अपन ने पढ़ रखी है वो सारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल इक्वेशंस है, ठीक है। तो अभी अपने को कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंडीशन दे रखी है तो अपन इसको अप्लाई कर सकते हैं। s की वैल्यू दे रखी है आप लोग को कितना 135 इक्वल्स टू u की वैल्यू चल रहा है तुम्हारे पास 10 प्लस हो गया ये 20 बटा हो गया अपने पास कितना 2 इनटू हो गया t, ये होगा 30 अपॉन 2 15, तो दिस विल बी 135 15 इनटू t 15 135 9 टाइम्स और आपके पास सिंपल टाइम का आंसर आता है दैट विल बी
9 सेकेंड, डन 9 सेकेंड है हमारे पास ऑप्शन, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन आपको गिवन है। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ए इज इक्वल टू अल्फा टी प्लस बीटा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम टी विल बी, पार्टिकल की टी टाइम के बाद आपको वेलोसिटी बतानी है। हम लोग जानते हैं दैट वी इज ऑलवेज हम लोग जानते हैं दैट ए इज डीवी अपॉन अपने पास क्या रहता है डीटी। अगर मैं यहां पर लिखूं तो डीवी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डीटी, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को अगर यहां पर देखूं तो अगर मेरे को वेलोसिटीज कैलकुलेट करनी है तो डीवी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ए डीटी, अपन चल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी पर, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं दिस विल बी वी माइनस यू, दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन, और ए का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है दैट इज अल्फा टी प्लस क्या हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा हमारे पास डीटी, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन अल्फा टी का इंटीग्रेशन तुम्हारे पास रहेगा अल्फा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस बीटा का इंटीग्रेशन रहेगा तुम्हारे पास बीटा टी, ठीक है। तो v माइनस यू की वैल्यू आ गई और पार्टिकल कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से शुरू कर रहा है, यानी कि u की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है जीरो। तो उधर आपके पास क्या करेंगे v माइनस दैट इज जीरो और ये बन जाएगा तुम्हारे पास अल्फा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस कितना हो जाएगा बीटा टी। दिस विल बी अवर फाइनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चला है कहां पर गया आंसर अपना, आंसर बन रहा है हमारे पास अल्फा टी स्क्वायर अपॉन टू बीटा टी, आंसर नंबर 2। डन, गुड, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स आर शोन इन द फिगर, हम लोग को वेलोसिटी टाइम कर्व दिए हुए हैं, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो, तब ए और बी के जो एक्सेलरेशंस रहेंगे, या अगर अपन बोले तो यहां पर ए कण और बी कण के त्वरणों का अपने को क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक हम लोग यहां पर जानते हैं दैट स्लोप ऑफ ऑफ वी टी कर्व जो रहता है, वी टी वक्र का ढाल जो रहता है, वो हमारे पास क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है। तो अगर मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ ए लिखना है तो एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसका स्लोप, इसका स्लोप कितना हो जाएगा टेन 25, ठीक है। ए टू बी पूछा है और एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर मैं लिखूं तो ये ऊपर से 40 डिग्री का एंगल है तो इधर से कितना हो जाएगा हमारे पास 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि ये मेरे पास कितना हो जाएगा, दिस विल बी 10 50। अगर मेरे को इनका रेशियो पूछा है तो ए एक्सेलरेशन ऑफ ए टू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ए से बी के त्वरण का अनुपात जो हो जाएगा 10 25 अपॉन क्या हो जाएगा 10 50। देखो क्या बोल रहा है आंसर में, 10 25 से 10 50 के अनुपात में, या इन द रेशियो ऑफ 10 25 टू 10 50, ये अपन ने कैलकुलेट कर रखा है। पहला आंसर ही अपना सही हो गया, ठीक है। तो 53, इंटरेस्टिंग सिचुएशन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पर। ए बॉडी मूव्स इन अ प्लेन सो दैट द डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक तल में गति करता है और उसके एक्स और वाई एक्स के अनुदिश जो अपने विस्थापन है वो इस प्रकार से दिए गए हैं कि एक्स की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 3t अपना क्या है क्यूब, और वाई की वैल्यू जो गिवन है वो अपने पास कितनी हो जाएगी 4t³, ये गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अपने को कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी क्या होगी, अगर अपने को वी एक्स बोलना है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो एक्स डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ये बन जाएगा हमारे पास 9t². अपने को y डायरेक्शन की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो इसका y डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा 12t², ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब आपको अगर वेलोसिटी पूछी है तो वेलोसिटी वेक्टर हमेशा होगा हमारे पास कितना vx i कैप प्लस क्या हो जाएगा vy j कैप, भाई वेक्टर फॉर्म में तो दोनों कंपोनेंट आएंगे ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड बोलूं तो वेलोसिटी दैट विल बी अंडर रूट ऑफ vx square plus क्या हो जाएगा अपना vy square, v that is equals to under root values put करते हैं vx अपने पास रहा 9t² का हो जाएगा whole square, चलो साहब बहुत बढ़िया, plus ये बन जाएगा अपने पास कितना 12t² का whole square, t square सारा बाहर,
तो टी स्क्वायर गया इधर, यहां पर बनेगा 9 स्क्वायर प्लस हमारे पास हो जाएगा 12 स्क्वायर, 144 प्लस 81 ये बनेगा हमारे पास कितना 225, तो 225 इसका बनेगा और 225 का अंडर रूट जो बनेगा वो अपने पास कितना हो जाएगा 15 बनेगा अपने पास टी स्क्वायर, 15 टी स्क्वायर है हमारे पास, 15 टी स्क्वायर इज द आंसर। डन, गुड, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 15 टी स्क्वायर हमारे पास रहा, 55 पर चलते हैं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, गुड, एक कण का विस्थापन जो है वो इस समीकरण द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रेस्पेक्टिवली, उसके प्रारंभिक वेग तथा प्रारंभिक त्वरण क्या होंगे, चलो देखते हैं। आपको ये दिया हुआ है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी टू द पावर 4, तो अगर मेरे को वेलोसिटी बोलनी है तो वो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस बी प्लस ये 2 है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2 सी टी माइनस ये बनेगा 4 डी टी टू द पावर 3, डिफरेंशिएशन 4 टी क्यूब हो जाएगा, तो ये अपने पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई है। उसी तरह से अगर मेरे को एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो डी वी अपॉन अपन क्या कर देते हैं डी टी, तो इसका करो डिफरेंशिएशन, ये तो 0 तो है ही है, ठीक है, प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2 सी माइनस ये बन जाएगा मेरे पास कितना 12 डी टी स्क्वायर, 12 डी टी स्क्वायर। डन, तो ये आपके पास वेलोसिटी की जनरल एक्सप्रेशन आ गई है और ये आपके पास एक्सेलरेशन की जनरल एक्सप्रेशन आ गई है, कहने का मतलब ये अपने पास दोनों सामान्य समीकरण आ गए हैं। अगर आपको प्रारंभिक पूछा हुआ है या इनिशियल पूछा हुआ है तो हमारे पास क्या हो जाएगा t = 0, t = 0 पर हमारे पास इनिशियल जो रह जाएगा, यहां पर t = 0 पुट कर दो इस इक्वेशन में, यहां पर t 0 तो ये टर्म 0 और ये वाली टर्म भी 0, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर मैं लिखना चाहूं तो जो t वाली टर्म्स है वो सब 0 हो जाएगी और बचेगा क्या अपने पास केवल b। इधर से इनिशियल एक्सेलरेशन अगर बोला जाए तो ये 0 और ये बन जाएगा हमारे पास कितना 2c, क्योंकि बाकी सारी टर्म तो खत्म हो चुकी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2c। तो इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन, प्रारंभिक वेग एवं प्रारंभिक त्वरण जो हमारे पास आ चुके हैं वो क्या है बी और 2c, बी और 2c मुझे यही दिख रहे हैं पास में, ये रहे बी और 2c हमारे पास आंसर। डन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 पर। ए बॉडी इज मूविंग इन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन डिस्क्राइब्स 40 मीटर इन फर्स्ट 5 सेकंड, जब पहले 5 सेकंड में वो 40 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, एंड 65 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकंड्स, कहने का मतलब पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट जो कवर कर रहा है दैट इज 40 मीटर, अगले 5 सेकंड में जो कवर कर रहा है दैट इज 65 मीटर, ठीक है। तो देखो इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे अपन कि ये जो है 5 सेकंड है और यहां पर डिस्टेंस 40 मीटर की है, अगला 5 सेकंड जो है उसमें डिस्टेंस जो है वो कितनी अपने पास 65 मीटर्स की है, तो मैं इसको ये बोल सकता हूं कि पहला 5 सेकंड जब होता है तब डिस्प्लेसमेंट आपके पास 40 मीटर है, और 5 और 5 10 मीटर जब होता है, 10 सेकंड जब होता है यहां डिस्प्लेसमेंट जो है वो 40 है, और जब आपके पास टाइम 10 सेकंड जब होगा तो 10 सेकंड में आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है हमारे पास 40 और 60, ये हो जाएगा हमारे पास 105 मीटर, ठीक है। बस अब अपन जानते हैं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, s = क्या होता है ut + 1/2 at square, ठीक है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपको u की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या कर लेता हूं मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूं, s कितना है 40 जब u, t की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 प्लस ये हो जाएगा a, a की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो a की वैल्यू नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a अपॉन 2 यहां पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे पास 5 का स्क्वायर, दूसरा ये लिखता हूं मैं टोटल 10 सेकंड का डिस्प्ले 10 सेकंड में होने वाला डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हुए मैं अपनी इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, और ये हो जाएगा मेरे पास 105 दैट इज इक्वल्स टू u * कितना हो जाएगा मेरे पास 10 प्लस यहां पर हो जाएगा मेरे पास a / 2 * ये बनेगा मेरे पास कितना 10 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशंस को अगर अपन देखें तो मैं यहां पे क्या करता हूं 5 से डिवाइड कर देता हूं, 5 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8
इजिकल्स टू, ये बनेगा मेरे पास यू प्लस 5/2a, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया क्योंकि ये 5 दिख रहा है मेरे को सामने। इसको भी मैं क्या करता हूं, यहां पर ये 10 से डिवाइड कर देता हूं, इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 10.5, दैट इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा मेरे पास u प्लस कितना बन जाएगा मेरे पास 10/2, इधर बन जाएगा मेरे पास 10/2a। इस इक्वेशन को मैंने 10 से डिवाइड किया, ठीक है। अब आप देखें क्या करें, मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो u कैंसिल हो जाएगा और मेरे को a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ये अपनी हो गई 2, अपन करने वाले हैं 2 - 1, 2 - 1 करने पर यहां पर बचेगा आपके पास 2.5, दैट इज इक्वल्स टू, ये u से u कैंसिल हो जाएगा, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, 10/2 माइनस अपन ने किया 5/2, 10/2 माइनस 5/2 आपके पास बचेगा 5/2a। अब 5/2 और ये कितना तुम्हारे पास 2.5, तो 5/2 और 2.5 एक दूसरे से हो गए कैंसिल, हमारे पास a की वैल्यू आती है 1। अब अपने पास a की वैल्यू 1 आ चुकी है, तो a की वैल्यू किसी में भी रख दो, u की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 1 है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो दिस इज 8, दैट इज इक्वल्स टू u प्लस ये बन जाएगा तुम्हारे पास 5/2, 5/2 का मतलब 2.5, a की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 - 2.5, दैट इज 5.5। तो हमारे पास आंसर बनता है इस क्वेश्चन के लिए 5.5। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट 1D के क्वेश्चंस में हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि इतनी कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ सकती है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं, हमारे पास रिजल्ट जो रहेगा दैट विल बी 5.5 मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर अपना रहेगा 57। टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग, ठीक है, दो ट्रेन है 50 मीटर लेंथ है उनकी, एंड आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है विद वेलोसिटीज 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड, देयर टाइम ऑफ क्रॉसिंग विल बी, दो ट्रेन आमने सामने से आ रही है और एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, उनकी लेंथ आपको गिवन है 50 मीटर, ठीक है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या रहेगा, देखते हैं, ट्रेन बना देते हैं अपन, ये अपने पास ट्रेन नंबर 1 हो गई, कितने की है ये 50 मीटर की, ये चल रही है इधर अपने पास कितने से 10 से, 10 ऑब्वियसली 10 यूनिट्स विल बी देयर, और ये अपने पास जो है ये 50 मीटर की ट्रेन है और ये कितने से चल रही है, ये चल रही है अपने पास 15 से, ठीक है। कभी भी ट्रेन क्रॉसिंग होने का मतलब ये होता है कि एक ट्रेन के इनिशियल पॉइंट, जैसे ये ट्रेन आगे आई तो इस ट्रेन का ये इनिशियल पोर्शन जो है वो यहाँ पर इसको यहाँ तक जाएगा, फिर ये पूरी ट्रेन का जो इनिशियल पॉइंट है वो इस ट्रेन को क्रॉस करेगा और फिर ये वाली पूरी ट्रेन क्रॉस होगी और इसका फाइनल पॉइंट वहां पर क्रॉस करेगा। कहने का मतलब, इन इफेक्टिव क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी सम ऑफ दीज टू लेंथ ऑफ द ट्रेन्स। कहने का मतलब, ट्रेन्स में अगर आप क्रॉसिंग की बात कर रहे हैं तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड रहेगी वो दोनों ट्रेन्स की जो लेंथ है उनका सम रहेगी। कहने का मतलब, इस पॉइंट को देखो, ये आगे वाला पॉइंट है, ये जा रही है, तो पहले तो अपन यहाँ पर कितना चलेंगे, 50 मीटर चलेंगे, 50 मीटर पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर पहुंच गया है, परंतु ये अभी तक पूरी पीछे वाली ट्रेन बाकी है, तो ये वाली भी जब आगे बढ़ेगी तो 50 मीटर तो ये क्रॉस किए और 50 मीटर अपन ने इस ट्रेन की क्रॉस किए, तो टोटल डिस्टेंस अपन ने कितनी ट्रेवल कर ली है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 100 मीटर, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी विल बी एडिटिव, तो ये हो जाएगा 10 + 15, ये हो जाएगा मेरे पास 25 मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो यहां पर टाइम ऑफ क्रॉसिंग दैट इज डी अपॉन वी रिलेटिव, ये हो जाएगा मेरे पास 100 अपॉन अपने पास कितना हो जाएगा 25, दैट इज 4 सेकंड, और हमारे पास 4 सेकंड ये लिखा हुआ है पास में ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, 58। ए बोट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i + 4j, बोट की वेलोसिटी दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके वेरी गुड, वी बी आपको गिवन है, दैट इज 3i + अपना कितना है 4j विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, द वॉटर इन द रिवर इज मूविंग विद वेलोसिटी -3i - 4j विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके वेलोसिटी ऑफ रिवर आपको गिवन है, दैट इज -3i - 4j, डन। अपन अगर बात करें द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू वॉटर और विद रेस्पेक्ट टू रिवर पूछा है, कहने का मतलब आपको पूछा है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर, और रिवर वॉटर ऑब्वियसली ये
वाटर की है वेलोसिटी, ठीक है, VBR की वैल्यू पता करनी है। VBR क्या होता है हमारे पास, VBR वेक्टर, दैट इज VB वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा हमारा VR वेक्टर, ठीक है। तो देख लेते हैं VB वेक्टर कितना है अपने पास, दिस इज 3i प्लस 4j माइनस VR कितना है माइनस 3i माइनस 4j, ठीक है, ये माइनस सब प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 6i प्लस 8j, ठीक है, VBR वेक्टर 6i प्लस 8j, तो हमारे पास ये आंसर रहता है 6i प्लस 8j, बढ़िया सा आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि आप इनको यूं सोचें कि आपको दिखने में कैलकुलेशन इजी है, जैसे आपके पास कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन भी आए हैं, एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, कुछ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं और कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आपको चूज करना है कि कहां पर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कहां पर अपना आप टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। कभी कभार आपको लग जाएगी ये क्वेश्चन मेरे पास टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, तो आप उसको एक बार के लिए छोड़ें और जो बहुत सारे इजी क्वेश्चन है जो एक साथ में हो सकते हैं वो आप पहले करें, ठीक है। तो यहां पर ये इसी तरह का क्वेश्चन है और ऐसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन कर रखा है हमारी गुरु नीति में, आप लोग उनको भी देखें और प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशंस भी हमारे पास पड़े हुए हैं, ठीक है, तो आप यूट्यूब पर उनको विजिट करके देखते रहें। क्वेश्चन कंप्लीट किया हम लोगों ने, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 59 क्वेश्चन। ए पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ द स्ट्रीम इज स्विमिंग विद स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड एट एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। द स्पीड ऑफ वाटर, द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम इज, वेलोसिटी ऑफ वाटर आप लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं क्या है, ये हमारे पास है लेट्स से रिवर और रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी लेट्स से VR, ठीक है। ए पर्सन इज एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट, एक आदमी अपने एक किनारे के सामने वाले पॉइंट पर एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, नदी के किनारे पर ठीक सामने वाले बिंदु पर पहुंचना चाहता है। कहने का मतलब अपने पास ये रहा एक पॉइंट और इसके ठीक सामने वाला पॉइंट जो रहेगा वो यहां पर ये रहेगा और आदमी को यहां से यहां पर जाना है, ठीक है। उसके लिए आदमी क्या कर रहा है, वो 0.5 मीटर पर सेकेंड से 120 डिग्री या 120 डिग्री के एंगल पर स्विम कर रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर से। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर अपने पास इधर की तरफ है और यहां से 120 डिग्री का एंगल अगर मैं क्रिएट करता हूं तो इस डायरेक्शन में आदमी स्विम करते हुए जा रहा है और वेलोसिटी कितनी है उसकी 0.5, ठीक है, यूनिट उसके साथ में है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये अपने पास एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ रिवर वेक्टर अपने पास यहां पर आएगा, ये VR अपने पास आएगा, तो ये रिजल्टेंट जो मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है वो इधर प्रोड्यूस कर देगा। तो इसका रिजल्टेंट इधर होने के लिए आपका इस वेलोसिटी का या इस आदमी की वेलोसिटी का जो रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में कंपोनेंट है, कहने का मतलब ये आदमी की वेलोसिटी जो है वो इधर की तरफ है और इसका इस डायरेक्शन से बनने वाला एंगल अपने पास कितना है 30 डिग्री है, ये VMR बोल देता हूं, मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब इसका एक कंपोनेंट तो क्या करेगा, आदमी को रिवर क्रॉस कराएगा, इसका एक कंपोनेंट क्या करेगा, इस रिवर की जो वेलोसिटी है उसका अपोज करेगा, ठीक है। और आपको जब आदमी को पूरी तरह से इधर ही चलाना है, कहने का मतलब इसका इधर वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट जो रहेगा वो क्या रहेगा, VMR अपना क्या रहेगा, साइन 30, VMR साइन 30 जो रहेगा वो रिवर की वेलोसिटी से क्या होना चाहिए, कंपनसेट होना चाहिए। रिवर आदमी को क्या कर रही है, इधर धकेल रही है, उस आदमी की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में ये वाला कंपोनेंट जो है ये इतना होना चाहिए कि वो रिवर की वेलोसिटी को कंपनसेट करे और आदमी इसी डायरेक्शन में मूव करता रहे। तो सिंपल हम लोग यहां से ये देख सकते हैं कि अपना VMR sin 30 will be equals to velocity of river और velocity of river water, ठीक है। कहने का मतलब आदमी के वेग का इधर वाला घटक जो रहेगा वो नदी के पानी के वेग को से संतुलित होना चाहिए ताकि उसका परिणामी जो बने वो केवल हमारे पास इधर वाला घटक ही बचे, लंबवत घटक ही बचे, और लंबवत घटक इसी दिशा में बचेगा जिसकी वजह से वो एकदम से विपरीत किनारे पर या ठीक सामने वाले बिंदु पर गति करके पहुंच सकता है, ठीक है। तो बस VR, VMR की वैल्यू आपको दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसकी वैल्यू अपने पास कितनी है 0.5, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर हो जाएगी। इसमें और दो का डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर दैट विल बी इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकंड हमारे पास बनेगा। देन
0.25 मीटर पर सेकेंड। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 60। ए बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली विद अ स्पीड u, ठीक है, एट अ सेम इंस्टेंस अनदर बॉल b इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h। एक दूसरी बॉल जो है वो ऊपर से अपन ने क्या करी है, गिराई है। एट टाइम t द स्पीड ऑफ a रिलेटिव टू b। चलो साहब डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारे पास हाइट h। एक ए नाम की बॉल को अपन ने यहां से यू से प्रोजेक्ट किया तो ये टी टाइम पर यहां कहीं पहुंची है, ठीक है। और एक बी बॉल को अपन ने यहां से गिराया है, ठीक है, और यहां से जब अपन ने इसको ड्रॉप किया है तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, और ये टी टाइम के बाद कहीं यहां पर है। तो हमारे पास सिचुएशन इस तरह से हो गई कि टी टाइम के बाद वेलोसिटी ऑफ ए वी ए हमारे पास इधर रहेगा और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो हमारे पास vb इधर रहेगा। रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो आपको ये पूछा है कि a की b के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या रहेगी, एक पर पहले अपन लिखेंगे इनके इक्वेशंस। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ u है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो मैं va की इक्वेशन लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, u - gt, क्योंकि आपको t समय पर पूछा है, एट टाइम t पूछा है, ठीक है। तो t टाइम के बाद इस पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी u से ऊपर फेंका है, ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g नीचे की तरफ है, तो इसकी इक्वेशन ये बनेगी। दूसरे पार्टिकल के लिए मैं बोलूं तो vb बोलूं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और ये नीचे की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसके लिए ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी में u प्लस at लगाऊं तो u तो जीरो है और एक्सेलरेशन कितना है g, और ये हो गया तुम्हारे पास t। अब आपको रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है, v रिलेटिव, दोनों पार्टिकल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, va प्लस vb, जो हो जाएगा तुम्हारे पास u माइनस gt, प्लस का क्या हो जाएगा gt, gt से gt अपना कैंसिल और अपना रिजल्ट बनेगा u। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b दैट विल बी इक्वल्स टू u। Then, u कहाँ है, u ये रहा, बस u मिल गया, आंसर आ गया अपना। Then, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस ma एंड mb आर ड्रॉप फ्रॉम टू हाइट्स a एंड b, ओके, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय दीज टू टू कवर दीज डिस्टेंसेस, इन दूरियों को, या दो ma तथा mb द्रव्यमान के दो पिंड ए और बी ऊंचाई से गिराए जाते हैं, ठीक है, तो इन ऊंचाइयों को तय करने में लगे समय का क्या रहे, हमारे पास अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो देखो क्या है, हम जानते हैं कि अगर अपन एक रेंडम हाइट h लेते हैं और h से कोई पार्टिकल को अपन फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी जीरो पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर इस तरह से अपन फ्री फॉल के लिए ड्रॉप करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, ut प्लस 1/2 et स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कंसीडर करते हुए डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, या t की वैल्यू में बोलूं तो t कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ 2s अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इधर गया ये इधर आएगा, अंडर रूट 2s अपॉन g, या t की बात करें तो t विल बी प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ s द डिस्प्लेसमेंट। अभी पहला पार्टिकल जो है, या अगर हाइट को h बोला गया है तो मैं इसको अपना फॉर्मूला जो 2h अंडर रूट 2h अपॉन g भी लिख सकता हूं, तो या ये h लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि ta अपॉन tb की अगर बात की गई है, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन ta अपॉन tb, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, a कितना ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस a अंडर रूट a अपॉन b कितनी हाइट ट्रेवल कर रहा है, दैट इज b, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट b। ये टाइम जो है ये मास पर डिपेंड नहीं करेगा जब तक कि आपको एयर फ्रिक्शन या वायु प्रतिरोध नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आपने को वायु प्रतिरोध के लिए नहीं बोला है, एयर फ्रिक्शन के लिए नहीं बोला है, तो हम लोग आइडियल सिचुएशंस को कंसिडर करेंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा इसका, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, ठीक। तो हमारा रिजल्ट रहेगा अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। देन क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 62 पर। व्हेन ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद वेलोसिटी v0, एक बॉल को अपन ऊपर फेंक रहे हैं वेलोसिटी v0 से, ठीक है, इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट ऑफ h, ये h हाइट पर पहुंचता है, ठीक है,
इफ वन विशेस टू ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, अगर आप मैक्सिमम हाइट को 3 गुना करना चाहते हैं तो द वेलोसिटी ऑफ द बॉल शुड बी, ठीक है। तो हम लोग देखें, अगर आप लोगों ने यहां पर पार्टिकल को कुछ यू वेलोसिटी से फेंका है तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी जो रहती है वो 0 रहेगी और यहां पर तुम्हारे पास ये एच हो जाएगी। तो वेलोसिटीज है और हाइट है तो अपन फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर, ये हो जाएगा अपन फिर से माइनस 2gh, डन, ठीक है। तो हम लोग ये देख सकते हैं दैट 2gh विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर। आपको मैक्सिमम हाइट को क्या करना है, ट्रिपल करना है, तो मैं यहां पर ये देख सकता हूं कि यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h, या u की बात करूं तो u इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ h, जैसा अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया। तो मैं ये देख सकता हूं कि u2 अपॉन u1 दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ क्या है h2 अपॉन क्या लिख सकते हैं अपन h1। u2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, u1 की वैल्यू पहले वाले केस में कितनी दे रखी है, v0 दे रखी है, दूसरे वाले केस में आपको हाइट कितनी करनी है, ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट करनी है। ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट को अपन कितना कर सकते हैं, 3 times ऑफ एच वन लिख सकते हैं, और एच वन तो एच वन है ही है, ठीक है। तो एच वन से एच वन कैंसिल, अगर अपन देखें यू टू की वैल्यू देखें तो यू टू विल बी इक्वल टू रूट थ्री ऑफ वी जीरो, दिस विल बी रूट थ्री ऑफ वी जीरो, रूट थ्री ऑफ वी जीरो। आंसर नंबर हमारा रहेगा 1, क्वेश्चन नंबर 62, डन। सिंपल सी सिचुएशन है जो अपने को कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट एच, देखें क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है, ए पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक पार्टिकल को आप एच हाइट के टावर से और ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, विद ए स्पीड यू, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट द ग्राउंड is n times to that of the time taken by reach to the highest point of its peak, ठीक है, of its path. The relation between h, u and n is, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर से चलते हैं। ये है हमारे पास एक टावर जिसकी हाइट है हमारे पास कैपिटल h, यहां से अपन ने एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, ये पार्टिकल u मूव करेगा और u मूव करके यहां से इधर आएगा, ठीक है। यहां पर पहुंचने का टाइम, let's say यहां पर पहुंचने का टाइम t है, तो और यहां पर पहुंचने का टाइम जो है वो T1 है, T1 पीक पर पहुंचने का, रास्ते में जा रहा है तो ये यहां पर T1 टाइम है, ठीक है, और ये यहां से घूम के वापस यहां पर आया है, तो यहां पर टोटल टाइम कितना है अपने पास, T है। तो इसने ये पूछा है, मतलब बोला है कि जो T टाइम है, नीचे पहुंचने का टाइम है, वो ऊपर तक पहुंचने के जो टाइम है T1 का n टाइम्स है, यहां से यहां पर पहुंचने का टाइम जो T1 है, तो दैट T इज n टाइम्स ऑफ T1। पहले तो मैं ये बता देता हूं कि इस T1 की वैल्यू, ऊपर जाने का टाइम क्या होता है हमारे पास, ऊपर जाने का टाइम जो होता है वो होता है u अपॉन g, ठीक है। अब ये पार्टिकल यहां से नीचे आ रहा है तो हम लोग देख सकते हैं पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां पर पहुंचने का अपने पास टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम है, वेलोसिटी है, तो इक्वेशन नंबर कौन सी यूज करेंगे अपन, 2, ठीक है। लगा देते हैं s इजिकल्स टू अपना रहेगा ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट उसका हो रहा है h, बट दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट होगा माइनस h। पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव, तो u आपका पॉजिटिव, नीचे पहुंचने का टाइम t, तो t, 1/2 तो 1/2, एक्सेलरेशन पार्टिकल ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, g है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 जी, और ये अपना हो जाएगा टी स्क्वायर। ये हो गई अपनी इस पार्टिकल की नीचे पहुंचने तक की इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में अपने को जो जो बोला हुआ है वो चीजें अपन क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। एक माइनस एच, तो माइनस एच यू, इसको बोला है एन टी वन माइनस 1/2, ये हो जाएगा तुम्हारा जी, और ये हो जाएगा एन स्क्वायर टी वन स्क्वायर, भाई टी स्क्वायर है ना, तो n square t1 का square हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, minus h equals to, इधर बन जाएगा t1 की भी value put कर देता हूं, t1 की value कितनी है अपने पास, u upon g, तो ये हो जाएगा n, इसकी value u upon g, तो ये u और u, ये हो जाएगा हमारे पास u square upon कितना हो जाएगा अपने पास g, तो minus h
u square n u square upon g, one term, minus 1 by 2, ठीक है, g तो g, n square और t1 की वैल्यू उधर से अगर अपन रखेंगे तो ये हो जाएगा u square upon g square. Are you getting this point? ठीक है, g से अपना g cancel और अपन क्या cancel करें, कुछ नहीं cancel करना है, अपने पास सिंपल जो टर्म्स बन रही हैं उसको लिख देते हैं. यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस एच दैट इज इक्वल टू एन यू स्क्वायर अपॉन अपना क्या हो जाएगा जी, माइनस ये बन जाएगा वन बाई टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा जी. तो मैं टू जी का एलसीएम लेके उधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो कर देते हैं ऐसा. ठीक है, इधर से टू जी का एलसीएम लेके उधर भेजेंगे तो माइनस टू जी एच दैट इज इक्वल टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2g का एलसीएम लिया, तो यहां पर हो जाएगा 2n, ये बन जाएगा मेरा u स्क्वायर और माइनस का बन जाएगा n स्क्वायर u स्क्वायर. आ रही है इक्वेशन, इस माइनस को मैं इधर भेज देता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं मैं यहां पर ये जो कंक्लूजन चल रहा है इसको यहीं कंटिन्यू कर रहा हूं, 2gh दैट विल बी इक्वल्स टू n स्क्वायर u स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2n u square. आगे पीछे कर लिया, पर यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, 2gh तो 2gh और इधर से मैं क्या कर सकता हूं, n u square को कॉमन ले लेता हूं, n u square को मैंने लिया कॉमन, तो यहां पर एक n बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा, तो हमारे पास 2gh will be equals to n u square n minus 2. एक बढ़िया क्वेश्चन आज अपन ने, अभी एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिया और मुझे लगता है हम लोग को इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. 2gh will be equals to nu square n minus 2. 2gh is equals to nu square n minus 2. हमारे पास आंसर नंबर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए 3. एक बेहतरीन प्रश्न. बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, आप इसको देख सकते हैं. A particle starts from rest. Its acceleration versus time graph is given. The maximum speed of the particle will be, ठीक है, एक कण का विराम से गति प्रारंभ करता है और उसका त्वरण वर्सेस स्वयं समय वक्र अपने को दे रखा है, तो उसकी अधिकतम चाल क्या होगी. अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि मैं dv को क्या लिख सकता हूं, dv will be equals to adt और इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करता हूं u से लेके v तक, तो इसका भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. इधर मैं लिख सकता हूं v minus u, जबकि आपको क्या बोला हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u की वैल्यू अपने पास क्या हो चुकी है, जीरो. और ये जो होता है इंटीग्रेशन ए डी टी, हम लोग ये जानते हैं, दिस इज एरिया अंडर ए टी कर्व, एरिया अंडर ए टी कर्व, ठीक है. तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, v माइनस ये हो गया जीरो और ये जो अपना ए टी कर्व दे रखा है इसके अंडर एरिया कितना, वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं. कहने का मतलब आपको ये वाला एरिया कैलकुलेट करना है, इस वाले एरिया को कैलकुलेट करने के लिए 1 by 2 बेस इनटू हाइट, हाइट सॉरी माय पॉइंट इज 10, तो ये कैंसिल हो गया 5 बार और आपके पास बन जाएगा 55. तो दिस विल बी 55, आपका जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा दैट विल बी 55 मीटर पर सेकंड. देखें कौन सा ऑप्शन है, 55 दिख रहा है मेरे को, ये रहा 55, आंसर नंबर 2, 55 मीटर पर सेकंड. बढ़िया क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन. बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर. एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट का त्वरण जो है वो क्या है, नियत है, विच इज पैरेलल टू इट्स इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन, उसकी तात्क्षणिक दिशा के समांतर है, ठीक है, त्वरण. द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी कर्व ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी, उस ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस वेलोसिटी कर्व हम लोग को प्लॉट करना है, ठीक है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ए कांस्टेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए और एक्सेलरेशन भी चाहिए. डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन का एक ही इक्वेशन है, जबकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो, v स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या रहेगा 2as, ठीक है. अब हम लोग को ग्राफ जो है उसमें v जो है वो सारे जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 बोल रखा है, कहने का मतलब पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है. पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ये v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हो गया 0 प्लस अपने पास हो जाएगा 2as, v स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू 2as और s की अगर मैं बात करूं तो s विल बी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर. s विल बी प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर का मतलब s और v के बीच में जो ग्राफ बनना है वो पैराबोलिक बनना है,
एस और वी के बीच में ग्राफ जो बनना है वो पैराबोलिक बनना है, एस और वी के बीच में ग्राफ जो पैराबोलिक, ये रहा अपना पैराबोलिक। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग आंसर। डन, आंसर नंबर 3, एस विल बी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 66 पर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये अच्छी सी बात आप लोग को समझ में आई है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन। Which of the following velocity graphs, velocity time graphs shows the realistic situation? ठीक है, निम्न में से कौन सा वेग समय ग्राफ किसी वस्तु की गति की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है? ठीक है, वास्तविक रूप में गति कैसे हो रही है या रियलिस्टिक सिचुएशन में मोशन कैसे हो रही है, उसके लिए आप हमेशा एक सिचुएशन यूज कर सकते हैं। आप कोई भी एक टी वैल्यू लें और उस पर लाइन खींच दें। ठीक है, तो अगर उस टी पर आपका ग्राफ दो बार कट हो रहा है, कहने का मतलब वो रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, वो वास्तविक स्थिति नहीं है। कारण उसका देखो, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पर 10 मीटर पर सेकंड से भी चल रहे हो, 15 मीटर पर सेकंड से भी चल रहे हो और 20 मीटर पर सेकंड से भी चल रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तुम एक ही टाइम पर अलग अलग वेलोसिटी से नहीं चल सकते। उसके लिए हर टी पर तुम्हारी वेलोसिटी एक ही डिफाइन होनी चाहिए। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें हर टाइम पर एक ही वेलोसिटी डिफाइन है। तो इसमें भी आपके पास टी की लाइन खींचो कट रहा है कहीं कहीं, इसमें भी देखो टी की लाइन खींची कट रही है कहीं कहीं। हमारे पास हर टाइम पर एक ही वैल्यू के लिए यही ग्राफ सुटेबल है। डन, बढ़ते हैं अपन आगे वाली सिचुएशन पर। क्वेश्चन नंबर 67 पर चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन? निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान गति को, या कण की एक समान गति को प्रदर्शित करता है? एक समान गति का मतलब त्वरण जीरो, एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी को कांस्टेंट करने वाला ग्राफ तो यही दिख रहा है मेरे को, ये रहा वेलोसिटी कांस्टेंट वाला ग्राफ। 67 आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 68। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज शोन, द कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द सेम बॉडी इज। एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया है और आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। हमेशा आपकी ध्यान, आपको ये पता ही है कि वेलोसिटी इज इंटीग्रेशन ऑफ ए डीटी, और हमेशा आप ये ध्यान रखें कि कांस्टेंट का जो इंटीग्रेशन होता है, कांस्टेंट का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, एक रफ एस्टिमेशन में आपको दे रहा हूं कि अगर आप किसी कांस्टेंट का, एक जैसे मैंने 5 का इंटीग्रेशन किया, 5 डीटी किया, तो 5 का इंटीग्रेशन करूंगा तो 5 यहां पर क्या बन जाएगा, टी। तो अब ये जो भी बना है, ये पहले क्या था, कांस्टेंट 5 था, और उस 5 का ये अपने पास कुछ एक्स था, एक्स 5 था। ठीक है, और फिर आपने उसका इंटीग्रेशन किया तो वाई मिला। तो देखो क्या है, ये कांस्टेंट था और उसका इंटीग्रेशन वाई इक्वल्स टू एमएक्स इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि आपको कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। उसी तरह से स्ट्रेट लाइन का आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पैराबोला मिलेगा, यानी कि जो कर्व मिलेगा उसमें पैराबोलिक प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो यहां पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन का इंटीग्रेशन करना है तब वेलोसिटी मिलेगी, यानी कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें पहले आपके पास स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है, यहां पर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ने वाला ग्राफ आपको देखना है। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी डिक्रीज होना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीज होना। तो ये वेलोसिटी कम पड़ रही है, गलत। ये भी वेलोसिटी कम पड़ रही है, ये भी सही नहीं है। इस ग्राफ में आपके पास वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और इसमें भी बढ़ रही है, तो ये दोनों सही हो सकते हैं। आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, अभी बात करी है। तो आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट, ये रही वेलोसिटी कांस्टेंट, इसमें भी वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब फिर से एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि अब फिर से वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अब फिर से वेलोसिटी बढ़नी चाहिए, तो अब आप यहां पर क्या कर दो, वेलोसिटी को फिर से बढ़ा दो। वेलोसिटी एक्सेलरेशन अगर यहां पर ये नीचे होता है ना, तो आपका ये ग्राफ सही हो जाता, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी का डिक्रीज होना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होना। बेहतरीन क्वेश्चन, एक बढ़िया सा आंसर। बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चन नंबर 69 पर मूव करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, द टाइम्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाइट h व्हाइल असेंडिंग एंड व्हाइल डिसेंडिंग आर t1 एंड t2 रेस्पेक्टिवली, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। ठीक है,
एक कण को आप ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकते हैं और किसी h ऊंचाई पर वो दो समयों t1 तथा t2 पर मिलता है, एक बार जाते टाइम और एक बार आते टाइम, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या रहेगा देखते हैं। अगर आप एक पार्टिकल को इस तरह से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये यूं जाके यूं आ रहा है, एक किसी इंटरमीडिएट हाइट h पर ये दो बार मिलता है, एक बार तो जाते टाइम टाइम t1 पर और एक बार आते टाइम टाइम t2 पर। तो एक रूल हमेशा ध्यान रखें कि ये जो यहां से यहां तक पहुंचने का जो टाइम है वो यहां से यहां तक आने का टाइम बराबर है। यहां से यहां तक तो t2 और यहां से यहां तक t1, कहने का मतलब t1 और t2 का जो सम रहता है वो सीधा सीधा आप हमेशा ध्यान रखें कि पार्टिकल की टोटल ट्रेवल टाइम के बराबर रहेगा, पार्टिकल के कुल उड्डयन काल के बराबर रहेगा इन दोनों समयों का योग। दोनों समयों का योग जब कुल उड्डयन काल के बराबर है तो चल जाते हैं अपन t1 प्लस t2 तो आ गया, और अपन ये जानते हैं कि एक पार्टिकल को यू से फेंकते हैं और वो वापस यहां पर जब आता है तो उसका टोटल ट्रेवल टाइम जो होता है, टोटल ट्रेवल टाइम वो होता है 2u/g। तो यहां से अगर मैं यू की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा g/2 t1 प्लस मेरा हो जाएगा t2, g/2 t1 प्लस t2, ये बहुत पास में लिखा हुआ है मेरे। आंसर नंबर 4, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। 69 से हम आगे बढ़ते हैं, हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 70 पर। A bullet is moving with velocity 200 centimeter per second, penetrates into wooden block and comes to rest after traversing 4 centimeter inside it. ठीक है? What velocity needed for traveling a distance of 9 centimeter in the same block? ठीक है? तो आपको ये पता करना है कि जब bullet 200 centimeter per second से चल रही है, तो 4 centimeter जाके रुक जाती है, तो 9 centimeter जाने के लिए उसको कितने से चलना पड़ेगा? तो डिस्टेंस गिवन है और वेलोसिटी गिवन है, तो अपन इक्वेशन यूज करेंगे v2 = u2 प्लस क्या हो जाएगा 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी को u स्क्वायर रहने देता हूं, 2 एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट रुक रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है तो मैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव लिख रहा हूं क्योंकि वुडन ब्लॉक उस बुलेट को रोकने का काम करेगा, और ये है अपने पास ट्रेवल डिस्टेंस। इसको मैं उधर लेके जाता हूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2as will be equals to u square, और यहां से हम लोग देख सकते हैं that s will be proportional to u square। अब हम देख सकते हैं s2/s1 बराबर क्या हो जाएगा u2/ क्या हो जाएगा u1/, ठीक है। s2 डिस्टेंस चलानी है अपने को, दूसरी बार में 9, पहली बार में चले हैं 4, दूसरी बार में वेलोसिटी अपने को पता करनी है और पहली बार की वेलोसिटी अपने पास कितनी है 200 का स्क्वायर। अंडर रूट करें, ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा उधर 3/2 बराबर हो जाएगा मेरे पास कितना u2/ कितना हो जाएगा 200, 100 बार कैंसिल और u2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी दैट विल बी 300, वेरी गुड। चलते हैं अपन अपने आंसर की तरफ, आंसर नंबर रहेगा हमारा 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाँ, जब रेशियो वाली सिचुएशन है तो आपको इन यूनिट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिमेट्रिकली दोनों साइड में क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी। गुड, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की चाल u है, ठीक है, s दूरी तय करने के बाद यह चाल दोगुनी हो जाती है, ठीक है, यह अतिरिक्त दूरी s तय करे तो इसकी चाल कितनी हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब एक पार्टिकल पहले ट्रेवल कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और वो s डिस्टेंस ट्रेवल करता है तब उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है वो कितनी हो जाती है 2u हो जाती है। तो ये आपके पास मोशन का हो गया पहला सेक्शन, ठीक है, डिस्टेंस है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है, मैं इक्वेशन यूज करूंगा v2 = u2 प्लस कितना हो जाएगा तुम्हारा 2as, ये है 2u/2 कितना हो जाएगा मेरे पास, ये बनेगा u2 प्लस कितना हो जाएगा 2as, तो ये हो जाएगा 4u2 - u2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2as, इसको मैं लिख सकता हूं 3u2/2s दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट a, यहां पर जो रिटार्डेशन हो रहा है या सॉरी यहां पर जो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या हो रहा है 3u2/2s हो रहा है क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है तो यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली। अब इसने ये बोला है कि ये आगे और s डिस्टेंस कवर करे, ये आगे और s डिस्टेंस कवर करे तो यहां पर फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो इस फाइनल वेलोसिटी को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो v2 = क्या हो जाएगा u2 प्लस अपने पास क्या हो जाएगा 2as, देखें v2 = u2, इस वाले सेक्शन के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अपने पास
दिस इज 2u का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू अपन ने उधर निकाल के रखी हुई है, ये हो जाएगा 3u स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2s, और अब जो डिस्टेंस कवर की जा रही है दैट इज s, अब आगे भी तो इसने s डिस्टेंस कवर करने के लिए ही बोला, ठीक है, तो 2 से 2s से s v स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2u का होल स्क्वायर 4u स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 3u स्क्वायर बन जाएगा 7u स्क्वायर, v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 7 v will be equals to under root 7 u. Then, interesting answer, under root 7 u अपना result रहेगा. Question number अपन चलते हैं 72 पर. Three particles A, B, C are thrown from the top of the tower with the same speed. A is thrown up, B is thrown down and C is thrown horizontally. They hit the ground with speed VA, VB and VC respectively. ठीक है? एक पार्टिकल को अपन ने कुछ हाइट से h हाइट से एक को अपन ने कुछ थ्रोन फ्रॉम द टॉप विद द सेम स्पीड यहां से कुछ u से एक को नीचे फेंका है एक को u से ऊपर फेंका है और एक को u से अपन ने इधर फेंका है ठीक है तो ये वैसे तो सीधा सीधा इसका आंसर है कि अगर स्पीड की बात की जा रही है तो स्पीड तो क्या रहेगी तीनों की यहां पर नीचे आने पर क्या रहेगी सेम रहेगी क्यों क्योंकि इस जगह पर इनके जो सारी पोटेंशियल एनर्जी है वो सारी इस जगह पर काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी और तीनों पार्टिकल के लिए सिचुएशन क्या रहेगी सेम रहेगी तो उनकी जो फाइनल वेलोसिटीज जो रहेगी सॉरी फाइनल स्पीड जो रहेगी वो क्या रहेगी सेम रहेगी क्यों क्योंकि ये यहां से आ रहा है तो यूं आएगा ये भी यहां से यूं घूम के वापस यहां पर आएगा तो ये यहां से जब पास होगा तो जिस वेलोसिटी से इसको फेंका है उसी वेलोसिटी से ये वापस पास होगा तो ये एक तरह से यू को नीचे वाली सिचुएशन ही हो जाएगी यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में बस इसको जाके आने में जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा और ये हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया हुआ है तो इस पर प्रोजेक्टाइल के अकॉर्डिंग अपन देखें तो ये एक तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगी और एक डाउनवर्ड वेलोसिटी इसकी डेवलप होगी ठीक है तो उसका रिजल्ट जो रहेगा अगर अपन स्पीड बोले तो स्पीड तीनों की क्या रहेगी सेम रहेगी वेलोसिटीज इन दोनों की सेम रहेगी क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उन दोनों की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इस पार्टिकल और ऊपर फेंके जाने वाले पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर सेम रहेगा परंतु तीसरा पार्टिकल जो रहेगा उसकी वेलोसिटी वेक्टर जो है वो किसी एंगल पर रहेगी तो इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी और इसकी वेलोसिटी अलग रहेगी बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी स्पीड के लिए बोला जाए तो तीनों की स्पीड सेम रहेगी डन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर आवर एट अ हाइट ऑफ दिस मच हाइट व्हेन इट इज वर्टिकली एट पॉइंट ए ऑफ द ग्राउंड ठीक है ये अपने पास एक ए पॉइंट है और यहां पर ऊपर जो है एक एरोप्लेन इस तरह से फ्लाई कर रहा है ठीक है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है आपको 600 किलोमीटर पर आवर यहां से इसने कोई पैकेट गिराया है या पैकेट बॉम्ब गिराया है और बॉम्ब गिराया है द बॉम्ब स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड एट पॉइंट बी ठीक है तो यहां से जो बॉम्ब गिराया है वो बॉम्ब जो है वो इस बी पॉइंट पर आके गिर रहा है ठीक है तो क्या बोला है द डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस ए बी इज हॉरिजॉन्टल रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है u अंडर रूट 2h अपॉन g ठीक है तो वैल्यूज पुट कर देते हैं u की वैल्यू आपको बोला हुआ है 600 किलोमीटर ठीक है तो किलोमीटर पर आर को मैं अभी मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं 5/18 अंडर रूट ये आपके पास क्या है मीटर पर सेकंड में इसलिए बदल रहा हूं क्योंकि मैं g और h की वैल्यू जो है वो मीटर्स में रख रहा हूं बिकॉज दिस इज गिवन इन मीटर और जी भी मैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रखूंगा इसलिए मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूं ठीक है आगे 2 एच की वैल्यू कितनी है आपके पास 1960 अपॉन इसकी वैल्यू मैं चूज करूंगा 9.8 कभी भी आपको 196 वाली टर्म दी हुई हो तो जी की वैल्यू आपको 9.8 चूज करना है क्योंकि उससे वो कैंसिल हो जाता है 9.8 से दो बार जाएगा तुम्हारा 19.6 और ये टर्म जो कैंसिल होगी 200 टाइम्स कैंसिल होगी 200 का into 2, 400 का अंडर रूट यहां पर बनेगा अपना 20, तो 600 अपॉन 18 into अपने पास कितना हो जाएगा 5 into हो जाएगा 20, आंसर अपने को यहां पर किलोमीटर में दिया हुआ है तो ये मीटर में आंसर आएगा 3 जीरो को लेके किलोमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं और जो बाकी टर्म्स बचेगी वो बचेगी हमारे पास कितना 5 into 12 अपॉन क्या हो जाएगा 18 5 into 12 अपॉन 18 ये बन जाएगा किलोमीटर इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू बनेगी 3.33 किलोमीटर कैसे बनेगा ये दो बार कैंसिल होगा ये तीन बार कैंसिल होगा 10 10/3 कितना हो जाएगा 3.33
तो ये 3.33 किलोमीटर अपना रिजल्ट रहेगा इस सिचुएशन में। देन थोड़ा सा कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं है। देन ए बॉय कैन थ्रो ए स्टोन अप टू ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर, ठीक है। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन विल बी, ठीक है। एक बच्चा कुछ यू वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को 10 मीटर की हाइट तक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर सकता है, 10 मीटर हाइट, ठीक है। तो वो हॉरिजॉन्टल में कितनी दूर तक उसको प्रोजेक्ट कर सकता है, ठीक। तो पहले तो अपन उस सिचुएशन को सॉल्व करें। यहां पर क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, यू स्क्वायर प्लस 2as, या अगर मैं हाइट की बात करूं तो 10 मीटर हाइट अपने को गिवन है। फाइनल वेलोसिटी 0 इस पॉइंट के लिए, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर माइनस 2g, और ये हो जाएगा मेरे पास कितना h। तो मैक्सिमम हाइट की जो इक्वेशन होती है, मैक्सिमम हाइट आपके पास क्या रहेगा, u स्क्वायर अपॉन 2g, और इसकी वैल्यू आपने को कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, ठीक है। तो u स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू अपने पास कितनी है, 10 है, जबकि पार्टिकल को ऑब्जेक्ट को जो बॉय है वो वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट कर रहा है। अब आपको पूछा हुआ कि वो हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम कितना दूर तक फेंक सकता है, तो आपको ये देखना है कि आर मैक्स या हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम रेंज वाली सिचुएशन अपने को देखनी है, ठीक है। कि आप जब हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज किस पर रहती है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का जो एंगल रहता है वो अपने पास रहता है कितना, 45 डिग्री, ठीक है। आर का फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन, अपने पास क्या रहता है, 2 थीटा अपॉन क्या रहेगा, जी। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज 45 डिग्री, ये बन जाएगा 2 थीटा 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1, और मैक्सिमम आर मैक्स की बात करूं तो दिस विल बी यू स्क्वायर अपॉन जी। हम लोग के पास यहां पर यू स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू 10 है, तो मैं यहां से ये देख सकता हूं कि यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, इस 2 को इधर भेज देता हूं, ये 20 हो जाएगा। कहने का मतलब यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू आपके पास कितनी बन रही है, 20 मीटर, यानी कि बॉय कैन थ्रो द बॉल अप टू मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। बच्चा अधिकतम क्षितिज दूरी जिस पर वह बॉल फेंक सकता है कितनी रहेगी, 20 मीटर रहेगी, 20 मीटर रहेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 75 पर। ए बॉम्बर प्लेन मूव्स हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड, ए बॉम्ब इज रिलीज फ्रॉम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, ठीक है। एक प्लेन चल रहा है और वो यहां से इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है आप लोग को कितना, 500 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और हमारे पास सिचुएशन क्या है, इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड के बाद यहां से एक बॉम्ब जो है वो इधर से यहां पर आके गिरता है, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी रहेगी वी एक्स, अगर मैं बोलूं तो वी एक्स जो रहेगा वो तो क्या रहेगा, यू एक्स ही रहेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में आपके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये बन जाएगा मेरे पास 500 मीटर पर सेकेंड। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसकी वाई डायरेक्शन में यू वाई वर्टिकल वेलोसिटी है वो 0, पर जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है इसकी वाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी डेवलप होगी, जिसको अपन बोल रहे हैं वी वाई, और वाई डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, वाई दिशा में गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो वी वाई का इक्वेशन अगर मेरे को लिखना है तो ये कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू क्या हो जाएगा, टी। वी वाई 0, क्योंकि वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्स डायरेक्शन में अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन देखें तो ये कितना है, 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी 10, और टाइम कितना लग रहा है उसको, 10 सेकेंड। तो वी वाई की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100। अगर अपने को एंगल कैलकुलेट करना है तो यहां पर पार्टिकल जब लैंड कर रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी वी एक्स इस डायरेक्शन में, इसकी फाइनल वेलोसिटी वी वाई इस डायरेक्शन में, इस पर अपन अप्लाई करेंगे पैरेललोग्राम लॉ, और ये इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रहेगी। हॉरिजॉन्टल से इसका एंगल अगर थीटा कैलकुलेट करना है तो 10 थीटा जो रहेगा हमारे पास वो क्या रहेगा, वी वाई अपॉन क्या रहेगा अपना, वी एक्स। डन। इस ट्राइंगल में अगर अपन देखें तो वी वाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, दैट इज 100, अपॉन वी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, 500। कैंसिल करते हैं, ये बन जाएगा आपके पास 1/5, थीटा विल बी इक्वल्स टू 10 इनवर्स, ये रहेगा मेरे पास 1/5, 10 इनवर्स 1/5 आंसर, बढ़िया आंसर। बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 76 पर। देखें
क्या को बोल रहा है अगला क्वेश्चन अपने को? A body is projected vertically upward at the time t is equal to 0 when it is seen at height h at instances t1 and t2 seconds during its flight. The maximum height attained is. एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया है और प्रक्षेपण के समय अभी अपन ने बात करी थी कि इसको दो समयों पर आप पाते हैं, एक t1 और t2 दो समय है, ठीक है, किसी ऊंचाई h पर देखा गया है, ठीक है, तो इसकी प्राप्त अधिकतम ऊंचाई क्या रहेगी? आपको यह पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड क्या रहेगा. द मैक्सिमम हाइट अटेंड, लेट्स से ये जो मैक्सिमम हाइट अटेंड है ये मैं बोल देता हूं, ये मेरे पास स्मॉल h बोल देता हूं. तो अभी अपन ने बात करी कि t1 और t2 जो रहेगा उन दोनों का जो सम रहता है, t1 और t2 का सम वो कितना रहता है हमारे पास? टोटल ट्रेवल टाइम रहेगा, या t1, ये t2 है सॉरी, t1 प्लस t2, ये टोटल ट्रेवल टाइम 2u अपॉन कितना हो जाएगा g, या u की वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये कितना हो जाएगा g अपॉन 2 t1 प्लस t2. ये हमारे पास क्या रहेगा? द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो अभी अपन ने एक क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था. अब अपन जानते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को जब यहां से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ हो और उसकी जो मैक्सिमम हाइट हो वो h हो, तो h को अपने पास कितना बोल सकते हैं अपन? h होता है हमारे पास u स्क्वायर अपॉन 2g. ये भी अभी इसी कैलकुलेशन से अपन ने देखा है, ठीक है. तो उस u स्क्वायर की वैल्यू मैं क्या कर देता हूं, यहां पर उठा के रख देता हूं, तो क्या कर देता हूं, 1 अपॉन 2g into u स्क्वायर. u स्क्वायर का मतलब वहां पर करूंगा g का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 into, ये हो जाएगा मेरे पास t1 प्लस t2 का मेरे पास हो जाएगा होल स्क्वायर. एक g से एक g कैंसिल, अगर मैं h की बात करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास g अपॉन चार दूनी आठ, और ये बन जाएगा मेरे पास t1 प्लस t2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, g बाई एट t1 प्लस t2 होल स्क्वायर. एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बढ़िया आंसर, g बाई एट t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर, आंसर नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 76 अपन ने सॉल्व किया. चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, 77. Galileo writes that the angle of projection of a projectile at angles 45 plus theta and 45 minus theta, the horizontal ranges described by the projectile are in the ratio. ठीक है? तो अगर आप एक प्रक्षेप्य को 45 plus theta और 45 minus theta कोणों पर प्रक्षेपित करते हैं तो उसकी परासों का अनुपात क्या होगा? आप हमेशा ध्यान रखें, प्रोजेक्टाइल में जब सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, दो कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो उनकी परास्य जो रहेगी वो परास रहेगी, समान रहेगी. यानी कि जैसे 30 और 60 दोनों का योग कितना है 90 है, तो 30 और 60 पर परास क्या रहेगी, सेम रहेगी. यहां पर देखें 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, इन दोनों का अगर मैं सम करता हूं तो ये चीज हो जाएगी कैंसिल और आपके पास बनता है एंगल 90. यानी कि इन दोनों एंगल्स पर जो रेंज रहेगी उनका रेशियो जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1:1 रहेगा. यानी कि रेंज दोनों एंगल्स पर क्या रहेगी, इक्वल रहेगी. देन बढ़िया क्वेश्चन, बढ़ते हैं अपन आगे. The velocity of projectile at a initial point A is, इधर अपने पास क्या है, ये है 2 और इधर अपने पास कितना 3, 2i plus 3j. Initial point पर horizontal 2 और vertical कितना है 3 है. The velocity at a point B, देखो horizontal direction में तो कोई acceleration नहीं है तो horizontal velocity तो यूं ही रहेगी, और vertical direction में हमारे पास acceleration due to gravity downward direction में है. तो एक rule, अगर अपन इधर की बात कर रहे हैं और इधर एक रिटार्डेशन है तो जिस वेलोसिटी से आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है वो जिस स्पीड से ऊपर फेंका है उसी स्पीड से वो नीचे आएगा. अगर वेलोसिटी की बात करनी है तो वेलोसिटी में उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी. कहने का मतलब आपने अगर इसको 3 से ऊपर फेंका है तो ये जब आएगा तो इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जो रहेगी वो रहेगी 3. तो अगर मेरे को इसका एक्सप्रेशन देना है तो ये कितना हो जाएगा 2i अब हो जाएगा माइनस ऑफ 3j, 2i माइनस 3j, 2i minus 3j. ऑप्शन नंबर बन जाता है हमारे पास कितना 4. डन, सिंपल सिचुएशन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 79 पर. क्या बोलता है 79 क्वेश्चन? टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी, विद वन इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री एंड द अदर इज एट एन एंगल 60 डिग्री. दो ऑब्जेक्ट को अपन ने प्रोजेक्ट किया है, एक को अपन ने 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है और एक को अपन ने 60 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया है. द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम हाइट अटेंड, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला अपन जानते हैं, दैट हाइट इज यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या होता है अपने पास 2g, तो h जो हो गया दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं h1 अपॉन h2 दैट इज इक्वल्स टू साइन, अपना पहला थीटा कौन सा है 30 डिग्री का स्क्वायर, अपॉन दूसरा हो जाएगा साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास 60। वैल्यूज पुट कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, साइन 30 1/2 का स्क्वायर दिस विल बी 1/4, दिस इज √3/2 का स्क्वायर, देन 3/4, 4 से 4 कैंसिल, विल बी गेटिंग 1/3। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 अपन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय एक्स इक्वल्स टू 36, यानी कि दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, एक्स दिशा में विस्थापन का समीकरण दिया है, एंड 2y इज इक्वल्स टू दिस, ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या y दिशा में विस्थापन का समीकरण अपने को दिया है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो जब अपन इसको फेंक रहे हैं तब की बात की जा रही है, यहां पर ये होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो सिंपल अपन बात करेंगे x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, और इसके अकॉर्डिंग ये पैरेललोग्राम लॉ बनेगा, तो हमारे पास tan थीटा जो रहेगा दैट विल बी uy अपॉन क्या हो जाएगा ux। ये तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की सिचुएशन हो गई। अब चलते हैं उधर, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आपको 360 दिया हुआ है, तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हो जाएगी vx, उसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो वो बन जाएगा आपका कितना 36। y डायरेक्शन में 2y लिखा है तो मैं इसको y लिख देता हूं और ये हो जाएगा 36 है तो 96 का ये हो जाएगा 48t माइनस ये हो जाएगा 4.9 हो जाएगा t स्क्वायर। अगर मैं y डायरेक्शन में वेलोसिटी की बात करता हूं तो डिफरेंशिएशन कर देता हूं तो ये बन जाएगा 48 माइनस ये 2 आगे आ जाएगा तो ये बन जाएगा मेरा 9.8 इनटू टी। ठीक है, आपको इनिशियल वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, यानी कि टी की वैल्यू कितनी रहेगी, अपनी जीरो रहेगी। टी की वैल्यू अगर मैं जीरो करता हूं तो मेरे पास ये हो जाएगा यू एक्स दैट इज इक्वल टू 36 और ये मेरे पास हो जाएगा यू वाई दैट इज इक्वल टू 48। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वैल्यूज पुट कर देते हैं, ये रहा अपने पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वैल्यू पुट करते हैं तो दिस विल बी 48 अपॉन कितना हो जाएगा अपने पास 36, 4/3 12 इंटू 4 12 इंटू 3। ठीक है, तो tan थीटा दैट विल बी इक्वल टू 4/3। गुड, सारे आंसर साइन में दिए हैं तो चलना पड़ेगा साइन पर। tan थीटा की वैल्यू आपके पास हो गई है 4/3, यानी कि ये हो गया तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारे पास बेस। ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो हाइपोटेनियस h कितना आ जाएगा मेरे पास 5 और sin थीटा अगर मैं लिखूं तो sin थीटा मेरे पास कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज 4 अपॉन अपने पास हाइपोटेनियस कितना है दैट इज 5। ठीक है, तो थीटा हो जाएगा अपने पास कितना sin इनवर्स, ये बन जाएगा अपने पास कितना 4/5 sin इनवर्स 4/5, आंसर नंबर अपने पास रहेगा 1। डन, बढ़िया, चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 81 पर। नेक्स्ट, ए स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, इट रीचेस टू मैक्सिमम हाइट h, देन द टाइम ऑफ द फ्लाइट ऑफ द स्टोन विल बी। ठीक है, एक कण को थीटा कोण पर फेंका गया है और अधिकतम ऊंचाई उसकी h है तो उसका उड्डयन काल क्या होगा। प्रोजेक्टाइल के लिए आप ये रूल, ये नियम हमेशा याद रखें, r, h और t में रिलेशन, r tan थीटा दैट इज इक्वल टू 4h दैट इज इक्वल टू gt स्क्वायर अपॉन 2। सारे पैरामीटर, इनमें से आप कोई भी दो दो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये रूल प्रोजेक्टाइल की रेंज, हाइट और टी टाइम ऑफ ट्रेवल में है, तो अपने को h और t में रिलेशन निकालना है तो 4h विल बी इक्वल टू gt स्क्वायर अपॉन 2। तो यहां से मैं देख सकता हूं gt स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8h या t स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8h अपॉन क्या हो जाएगा मेरे पास g, और देखें तो अपने पास t की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 8h अपॉन g। 8 को मैं लिखूंगा 2√2 और t की वैल्यू हो जाएगी 2√2h अपॉन g। एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बहुत ही बढ़िया आंसर, बेहतरीन प्रश्न। डन, क्वेश्चन नंबर 81। ये इक्वेशन आप लोग हमेशा यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 82 पर। 82, ए प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द स्पीड यू मेकिंग एंगल 2 थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। वाह, ओके, व्हाट इज द स्पीड व्हेन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। डन, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको एक बोला हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप लोग
इनिशियल वेलोसिटी u से 2 थीटा एंगल पर, 2 थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये इस तरह से मोशन करेगा और किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी अगर v है और ये v जो है ये हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल क्रिएट कर रही है, तो इस v की वैल्यू क्या रहेगी, इस v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन। देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन 0 है, ax इज 0, कहने का मतलब x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का x कंपोनेंट दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कहने का मतलब मैं अगर लिखूं तो लिख सकता हूं v cos theta will be equals to u cos 2 theta, ठीक है, और cos 2 theta ये फॉर्मूले अपने को पता है, मेरे को v कैलकुलेट करना है, तो ये तो u cos 2 theta को मैं लिख सकता हूं 2 cos square theta minus 1 upon इस cos theta को नीचे भेज देता हूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos theta v, this is u 2, इसमें इसको डिवाइड कर देता हूं तो 2 एक cos theta से cos theta कैंसिल minus 1 upon ये वाला cos theta, तो ये बन जाएगा तुम्हारा क्या, sec theta। एक बढ़िया क्वेश्चन आंसर हमारे पास आया है, u 2 cos theta minus sec theta, u 2 cos theta minus sec theta, आंसर नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 82। डन, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पर। इफ डाउनवर्ड रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड बाय एयर रेजिस्टेंस ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 1/10 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। यदि वायु प्रतिरोध के कारण प्रक्षेप में नीचे की ओर मंदन गुरुत्वीय जनित त्वरण का 1/10 भाग हो तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगने वाला समय, प्रक्षेप के लिए या प्रोजेक्टाइल के लिए अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का जो टाइम होता है, ये इसको मैं स्मॉल टी लिख देता हूं, वो रहेगा आपके पास u sin थीटा अपॉन अपने पास रहता है g, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने का u sin थीटा अपॉन g, वापस आने का u sin थीटा अपॉन g, तो टोटल ट्रेवल टाइम हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन g। यहां पर देखें, ये एक्चुअली y डायरेक्शन की वेलोसिटी है और नीचे ये g है, अगर इसमें कोई भी चेंज होता है तो आप उसको लिख सकते हैं g इफेक्टिव, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जा रहा है तो आपको बोला है कि एयर जो है वो एक डाउनवर्ड रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है, कितने का, जी बाई 10 का, ठीक है, तो एक जी तो पहले से है ही है और अब आपके पास एक एक्स्ट्रा जी बाई 10 एक्सेलरेशन और आ चुका है, तो अब जो आपके पास टाइम टी डैश हो जाएगा, यू वाई तो चेंज नहीं हुआ है पर अब आपके पास जी जो हो चुका है वो कितना हो चुका है, दैट इज जी प्लस जी बाई 10, ठीक है, और इसको अगर मैं देखूं तो दिस विल बी 11g by 10, तो 10 को ऊपर भेज देता हूं तो 10 by 11 ये हो जाएगा मेरे पास uy upon g। कहने का मतलब अब जो टाइम लग रहा है t dash, that is 10 by 11 of पहले जो टाइम लग रहा था विदाउट एयर, आपके पास क्या था टाइम, विदाउट एयर रेजिस्टेंस टाइम क्या था, uy upon g, तो ये आपके पास uy upon g हो गया, ये पहले वाला टाइम हो गया। 10 upon 11 की वैल्यू अगर आप फाइंड करते हैं तो दिस इज 0.91t, ठीक है, तो पहले आपके पास पूरा t था और अब जो टाइम हो चुका है वो कितना हो चुका, 0.91t हो चुका है, यानी कि एक ये टाइम डिक्रीज हो चुका है, टाइम डिक्रीज हुआ है क्योंकि दिस इज 0.91 और कितना डिक्रीज हुआ है, ये 9% डिक्रीज हुआ है। परसेंटेज चेंज का अगर फॉर्मूला भी लगाएंगे तो आपके पास पहले एक तरह से ये कंसिडर कर लो ये 100t है, तो ये कितना हो गया 91t, इसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100t, ये कितना हो गया 91t, तो ये कितना डिक्रीज हो गया, 9% डिक्रीज हो गया एक तरह से, तो यहां पर डिक्रीज बाय 9% हम लोग देख सकते हैं, या इसको 1 कंसीडर करो, 1 से 0.91 जा रहे हैं, यानी कि दिस इज डिक्रीज ऑफ 9%, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर हमारे पास रहेगा डिक्रीज बाय 9%। डन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास क्या रहेगा, A stone is projected from the ground with velocity 50 meter per second at an angle of 30 degree. ठीक है? It crosses a wall after 3 seconds. 3 second के बाद एक wall को cross करता है. How far beyond the wall the stone will strike the ground? ठीक है? यहाँ पर आपको ये बोला हुआ है कि एक particle को आप इस तरह से 50 meter per second से कितने पर फेंक रहे हैं? हम लोग 30 degree पर इसको project कर रहे हैं. और 3 सेकंड के बाद ये एक वॉल है,
इसको ये यहां से क्रॉस करके इधर जाके कहीं गिरता है, okay? तो इस वॉल से कितनी दूर डिस्टेंस डी या दूरी डी पर जाके गिरेगा, okay? टाइम यहां पर पहुंचने का दिया हुआ है आप लोग को, ये टाइम जो दिया हुआ है वो टी कितना है अपने पास, 3 सेकेंड्स है, ठीक है। एक पहले तो अपन ये देख लेते हैं कि पार्टिकल की रेंज क्या रहेगी। रेंज को अगर देखें तो कितना होता है, यू स्क्वायर साइन अपने पास क्या रहता है, 2 थीटा अपॉन जी, यानी कि 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500, और साइन 2 थीटा, और एंगल कितना है अपने पास, 30 डिग्री, तो साइन 60 कितना रहेगा तुम्हारे पास, √3/2 अपॉन ये हो जाएगा 10, ये से ये कैंसिल, 250/2 ये बन जाएगा 125√3, ठीक है। तो रेंज तो आपके पास, ये पूरी रेंज यहां से यहां तक अपने पास आ चुकी है, ये रेंज आ चुकी है। अब अपन क्या करते हैं, यहां से ये वाली डिस्टेंस में कैलकुलेट कर लेता हूं x, तो रेंज में से x को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो d आ जाएगी, ठीक है। x कैसे कैलकुलेट करेंगे, x ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बिकॉज पार्टिकल 3 सेकंड के बाद यहां पर है, यानी कि x डायरेक्शन में ये वॉल के पास तो है ही है उस टाइम पर, ठीक है, वॉल के टॉप मोस्ट पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं ux into क्या लिख सकता हूं, t, ux x डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 50 cos 30, ये बनेगा 50 cos, ये बन जाएगा तुम्हारे पास 30, और टाइम कितना अपने पास 3, वैल्यूज पुट करें, 50 cos 30 दैट इज √3/2 इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास 3, डन, 2 कैंसिल हुआ, ये हो गया 25 इनटू 3 अपने पास हो जाएगा 75√3, ओके। तो आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है, तो अपन d कैलकुलेट कर सकते हैं, d विल बी इक्वल्स टू r माइनस x, d will be equals to r, ये x, ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 125 माइनस 75 बच जाएगा मैं तुम्हारे पास 50√3, 50√3 को आप अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास 86.6, आप इसको मल्टीप्लाई करें, 1.732 इसकी वैल्यू पुट करेंगे एंड दिस विल बी 86.6 मीटर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी, उसमें कोई वो है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 84, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, इसको देख सकते हैं आप, अपन आगे बढ़ते हैं। एक ऊंची मीनार पर बैठा एक व्यक्ति 1 सेकंड के नियमित अंतराल के बाद गेंद नीचे गिरा रहा है, ओके। फाइंड द पोजीशन ऑफ फोर्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज ड्रॉप्ड, ठीक है। आपको यह पूछा हुआ है कि चौथी गेंद की स्थिति क्या होगी जब छठी गेंद को गिराया जाए। कहने का मतलब, एक आदमी जो है वो हर 1 सेकंड में एक बॉल इस तरह से गिरा रहा है, ठीक है, इस तरह से बॉल्स को गिरा रहा है। तो यह पूछा है कि जब वो सिक्स्थ बॉल यहां से गिरा रहा है तो आपकी जो फोर्थ बॉल है उसकी सिचुएशन क्या रहेगी। तो इसमें एक सिंपल सी सिचुएशन है, हर सेकंड पे वो एक एक बॉल गिरा रहा है और आपको टॉप से डिस्टेंस पूछी है और आपको ये हाइट बतानी है एक तरह से। तो फोर्थ बॉल जो है वो कितने सेकंड तक गिर चुकी है, 2 सेकंड तक गिर चुकी है, फोर्थ को छोड़ा 1 सेकंड के बाद, फिफ्थ को छोड़ा, फिर 1 सेकंड के बाद सिक्स्थ को छोड़ा। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, पार्टिकल या फोर्थ बॉल के लिए जो टाइम हो जाएगा गिरने का वो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड, और 2 सेकंड में इस फोर्थ बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। बिकॉज फाइंड द पोजिशन ऑफ द फोर्थ बॉल व्हेन द सिक्स्थ बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड, ठीक है। टॉप मोस्ट बिल्डिंग की हाइट, टॉप से आपको ये डिस्टेंस क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, मीनार के उच्चतम सिरे से चौथी गेंद की स्थिति क्या होगी, ठीक है। तो अगर अपन देखें तो s = हमारे पास क्या हो जाएगा, ut + 1/2 at square, इसको देखें 0s दैट इज इक्वल्स टू 1/2 g की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, इज लेस से 9.8, आंसर को इसी तरह से एडजस्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर, ये 2 से 2 अपने पास कैंसिल, क्योंकि आपका ऑप्शंस 19.6 टर्म टाइप से दे रखा है, तो अपने को 9.8 रखना सूटेबल और सेफ ऑप्शन रहेगा। डिस्टेंस देखें अगर अपन, या डिस्प्लेसमेंट देखें, तो 9.8 इनटू 2 दिस विल बी 19.6 मीटर, देन हमारे पास आंसर बनता है 19.6 फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 अपन ने कंप्लीट किया, देखें आप इसको इस तरह से, ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, हर सेकंड में बॉल गिर रही है तो अपने पास क्या हो जाएगा, फोर्थ बॉल 2 सेकंड तक गिरी है तब सिक्स बॉल को छोड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है,
करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट बोला है, ठीक है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, सही है। समस्त अन्य अशून्य जो रहते हैं, यानी कि जो नंबर्स है वो सारे सार्थक होते हैं। ऑल जीरोज बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये भी ट्रू है। सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जितने जीरो आ रहे हैं सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट, ग्रेटर द एक्यूरेसी। सिग्निफिकेंट फिगर का जो कॉन्सेप्ट है वही ये है, वो एक्यूरेसी की रिप्रेजेंटेशन के लिए काम में आते हैं। जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स रहेंगे उतनी आपकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो चुका है, सही। ऑल द जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नहीं, जीरोस पर तो सारे रूल लगते हैं अपने, कि आगे वाले जीरो जो होते हैं दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट अपना क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, ठीक है। तो आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, गलत पूछा है। ए बॉडी कैन हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, ठीक है, एंड जीरो एक्सेलरेशन। नॉन जीरो वेलोसिटी एंड जीरो एक्सेलरेशन, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्सेलरेशन जीरो अगर आपके पास वेलोसिटी क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, यूनिफॉर्म मोशन हो। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, ऐसा तो हो सकता है, दिस इज पॉसिबल। ए बॉडी कैन हैव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल द वेरिएबल स्पीड। वेलोसिटी इसने बोला है, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट और स्पीड वेरिएबल, नहीं साहब। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही क्या होता है, स्पीड होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर स्पीड है, तो अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ए बॉडी कैन हैव कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल ए वेरिएबल स्पीड, नहीं, गलत है। एक ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि किसी पिंड की चाल परिवर्तन हो रही है और उसका वेग क्या रहे, नियत रहे, क्योंकि वेग का परिमाण ही क्या होता है, चाल होती है। अगर चाल परिवर्तित हो रही है यानी कि वेग का परिमाण परिवर्तित हो रहा है, वेग का परिमाण परिवर्तित हो रहा है यानी कि वेग सदिश परिवर्तित हो रहा है, तो ये तो कथन हो चुका है अपना गलत। तो अपना आंसर रहेगा ये, मैं गलत लिख रहा हूं, मतलब कि ये अभी आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज द आंसर, ठीक है। आगे वाले सिंपल सिचुएशंस है, आप लोग इनको देख सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। ए बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इफ एयर रेजिस्टेंस इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, ठीक है, देन द टाइम ड्यूरिंग विच द बॉडी राइजेस। ओके, गुड क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट जब ऊपर की तरफ फेंका गया है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, तो आपको यह पूछा गया है कि ऊपर जाने का जो टाइम रहेगा उसके बारे में आपका क्या सोचना है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द टाइम ऑफ गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखो, अगर अपन एक बॉल को इस तरह से फेंक रहे हैं तो अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट एयर रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होती है वो पार्टिकल की वेलोसिटी का अपोज करता है, यानी कि वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होने का रीजन ये है कि वेलोसिटी, या अपन एयर की बात करें तो एयर की जो लेयर्स रहेगी वो इसको आगे की तरफ मूव करने से रोकेगी, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन हमारे पास रहेगा। मैं इसको बोलता हूं, लेट्स से दिस एक्सेलरेशन इज ए। तो पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एयर भी उसको ऊपर जाने से रोकेगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या ये दोनों मिलकर रिटार्डेशन रहेगा। और ए नेट अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास जी प्लस ए। अब जो टाइम होता है ऊपर जाने का, टाइम ऊपर जाने का होता है यू अपॉन जी, ठीक है। अपन जानते हैं ऊपर जाने का टाइम यू अपॉन जी, और वापस नीचे आने का टाइम भी होता है यू अपॉन जी, ठीक है। U अपॉन जी में अपने पास ये जी इफेक्टिव हो जाएगा, या ये ए नेट हो जाएगा, जी इफेक्टिव और ए नेट ए की बात है, इसको मैं बोल देता हूँ जी इफेक्टिव, ठीक है, और ये हो जाएगा यू जी प्लस ए, ठीक है। अब अपन देखें, पार्टिकल अगर नीचे आ रहा होता, तो नीचे आ रहा होता तो पार्टिकल की वेलोसिटी इधर रहती, ठीक है, ये वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बट एयर की लेयर्स इसको नीचे आने से रोकती, और वो जो एक्सेलरेशन इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो इधर अपवर्ड डायरेक्शन में होता। एयर की लेयर्स उसको नीचे गिरने से भी क्या करेगी, रोकेगी। और अगर अपन यहाँ पर जी इफेक्टिव की बात करें तो वो हो जाएगा जी माइनस ए, और यहाँ पर टाइम जो बोल देते हैं तो मैं उसको रफली बोल सकता हूँ दिस विल बी जी माइनस ए। तो इधर आपके पास ये जो टर्म है, दिस एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड, कहने का मतलब इधर वाला टाइम क्या हो जाएगा, कम पड़ जाएगा, यानी कि ऊपर जाने में उसको टाइम जो लगेगा दैट विल बी लेस। इधर आपके पास क्या हो चुका है, ये क्वांटिटी कम हुई है, यानी कि ये टाइम क्या हो जाएगा, दिस टाइम विल बी इंक्रीज्ड। तो वस्तु के ऊपर जाने का लगा समय जो है वो नीचे आने के समय से क्या होगा, कम होगा, नीचे गिरने के समय से कम होगा। हिंदी में इसको अपन इस तरह से समझे, द टाइम टू राइज विल बी लेस देन
less than the time to fall. Less than the time to fall. 88. चलते हैं हम लोग 89 पर. If A vector is this, B vector is this, and C vector is this, then find A dot B cross C. ठीक है, सिंपल सिचुएशन है. आप लोग यहां पर B cross C कैलकुलेट करके उसका A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो A dot B cross C जो होता है वो डायरेक्टली इस तरह से भी कैलकुलेट किया जाता है, B cross C. जैसे आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं तो डिटर्मिनेंट में B और C की वैल्यू आएगी. उसमें जो पहली लाइन जिसमें आई जे के रखते हैं वहां पर क्या रख दो, A के कंपोनेंट रख दो और वैसे के वैसे सॉल्व कर लो. ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, 2 - 3 और ये हो गया तुम्हारे पास 7. कह रहे हैं मतलब आई जे के की जगह पर आप क्या रख दो, A को रख दो. जब उसमें तीनों रोज को आप लोगों ने फिल कर रखा है तो वो आपका A डॉट B क्रॉस C को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, फिर आपका B क्रॉस C है यानी कि ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास B. B में क्या है, I प्लस 2K. कहने का मतलब ये हो गया 1, 0 और ये हो जाएगा आपके पास कितना, 2. ठीक है, चलते हैं अपन आगे. ये क्या है, J माइनस K यानी कि ये 0, ये है हमारे पास 1 और ये हो गया -1. इसको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं. ये आपके पास क्या रहेगा, 2. डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, 2 तो ऐसा कैसा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन, इसका 0 माइनस कितना हो जाएगा, 2. तो यहां पर बनेगा तुम्हारा -2. अब देखते हैं दूसरा आता है आपका माइनस. दूसरा पैरामीटर जो रहता है वो नेगेटिव में लेते हैं हम लोग. नेगेटिव के बाद आपके पास टर्म भी वहां पर नेगेटिव लिखी हुई है. ठीक है, फिर इसका जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको अपन सॉल्व कर देते हैं. इधर वाला मल्टीप्लीकेशन तो 1 - -1 कितना हो जाएगा, -1 और ये हो जाएगा 0. तो यहां पर आपके पास एक बनेगा -1. ठीक है, और अपने पास जो लास्ट बनेगा प्लस का 7 है. प्लस के 7 पर अगर अपन अप्लाई करें तो ये वाला मल्टीप्लीकेशन माइनस ये वाला मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 1. तो देखें यहां पर क्या, 2 - 2 माइनस का 4, 3 - 3, 3 ये माइनस और वापस एक और ये दोनों प्लस और एक माइनस, तो ये हो जाएगा -3 और इधर बन जाएगा तुम्हारा +7. तो ये बन जाएगा आपके पास कुल मिला के 0. तो अपना जो रिजल्ट रहेगा दैट विल बी 0, दैट विल बी 0. और ये हमारे पास रहता है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. चलते हैं हम लोग आगे 90th क्वेश्चन पर. ये बोल रहा है हमें, A swimmer wishes to cross 500 meter wide river flowing at a rate of 5 km per hour. His speed with respect to water is 3 km per hour. ठीक है? If he heads in the direction making an angle theta with the flow. ठीक है? Find the time he takes to the cross the river. ठीक है? ये अपने पास हो गई river और इसको river को cross करना है. और ये flow से, ये अपने पास flow है, flow की direction है. फ्लो की स्पीड कितनी है अपने पास, दैट इज 5 km/h. ठीक है, रिवर की विड्थ कितनी है अपने पास, ये 500 गिवन है. और ये इस फ्लो की डायरेक्शन से कुछ थीटा एंगल पर इधर 3 km/h, इफ वी विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 km/h, 3 km/h से ये स्विम करता है. तो इसकी वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट जो रहेगा, ये अपने पास थीटा है, इसकी वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट जो रहेगा वो इसको रिवर क्रॉस कराने में हेल्प करेगा. कहने का मतलब इधर का कंपोनेंट देखूं मैं, v परपेंडिकुलर बोल देता हूं, तो v परपेंडिकुलर दैट इज 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, sin थीटा. ये 3 sin थीटा जो रहेगा वो रेस्पॉन्सिबल रहेगा इसको रिवर क्रॉस कराने में. ठीक है, ये 3 km/h में है तो मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, 3 * ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, 5/18. 3 * 5/18 में हम लोग अगर इसको आगे बढ़ते हैं तो सॉल्व कर देते हैं इस इक्वेशन को. हमारे पास क्या सिचुएशन है, टाइम जो लगेगा वो कितना हो जाएगा, W अपॉन V परपेंडिकुलर, W की वैल्यू कितनी है अपने पास, 500 अपॉन ये बन जाएगा मेरे पास कितना, 3 * 5/18. आप इस इक्वेशन में यहाँ पर 5/18 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बन जाएगा अपने पास कितना, साइन थीटा. ठीक है, देखो 3 * 18 ये हो गया 6 बार, 500 ये गया 100 बार, इसको मैं ऊपर शिफ्ट करता हूं तो दिस विल बी 600 अपॉन अपना कितना हो जाएगा, साइन थीटा. तो हमारे पास जो मैन है उसकी वेलोसिटी का इधर वाला कंपोनेंट जो रहेगा वो उसको रिवर क्रॉस कराने में हेल्प करेगा और इसका इधर वाला कंपोनेंट जो रहेगा वो रिवर्स में आगे की तरफ उसको फ्लो करवाएगा. और हमारे पास इसका आंसर बनता है 90th क्वेश्चन का 600 अपॉन साइन थीटा. एक बढ़िया क्वेश्चन, एक बढ़िया आंसर. तो हम लोगों ने हमारा पहला डिस्कशन कंप्लीट किया. आपके आगे एग्जाम्स रहेंगे, उन एग्जाम्स के
उस एग्जाम्स की भी कंटिन्यूस डिस्कशंस आपको मिलते रहेंगे. आप इस चीज़ को एंजॉय करते रहें, अपनी मेहनत करें. और दिस इज़ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.